वेल well, तो जी जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोटाला सिवा एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिनकी हमेशा से मूवीज़ ब्लॉकबस्टर रही हैं उन्होंने जितनी भी मूवीज़ दी हैं वो सारी की सारी ब्लॉकबस्टर रही हैं एंड अगर आप लोग भी इनकी मूवीज़ को देखते आ रहे हैं इनको फॉलो करते आ रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि इनका लेवल क्या है तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ इन्हीं की एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को डेफिनेटली देखनी चाहिए अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ और ऐसी सीरीज़ वगैरह देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर एक्शन हो ड्रामा हो और एक अलग सा कंसेप्ट हो तो हाँ आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोगों के सामने यहाँ पर मैं प्रजेंट करने वाला हूँ साल 2024 में आने वाली अपकमिंग मूवी यहां पर देवरा के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की होने वाली है कहां पर रिलीज़ की जाएगी किस लैंग्वेज में रिलीज़ की जाएगी और अभी फाइनली हम इस मूवी को देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे इन चीज़ों के बारे में यहां पर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली कहाँ पर रिलीज़ होगी किस लैंग्वेज में रिलीज़ होगी और स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल होगी या नहीं डायरेक्ट हमें कहीं पर देखने को मिलेगी ओ टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी कहाँ पर देखने को मिलेगी इन चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग बा... बात करने वाले हैं तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं देवरा के बारे में तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को एंड बात करते हैं देवरा के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जूनियर एन ये साउथ के ऐसे एक्टर हैं जो बहुत अरसा बाद मूवी देते हैं मीन्स एक साल बाद दो साल बाद हमें मूवी देते हैं और अक्षय भाई की तरह नहीं करते कि एक साल में चार चार मूवीज़ आ रही हैं नहीं एक साल दो साल बाद हमें ये मूवी देते हैं एंड एक क्वालिटी कंटेंट हमें प्रोवाइड करते हैं एंड यही चीज़ इस मूवी को लेकर भी हुई है जी हाँ यहाँ पर क्वालिटी कॉन्टेंट है क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी हमारे सामने प्रजेंट होने वाली है अगर आप लोगों ने इसके ट्रेलर और टीज़र वगैरह को देखा होगा देन आप लोगों को बिल्कुल कन्फर्म हो चुका होगा कि ये मूवी किस तरह से अच्छी है या नहीं और आप लोगों का टाइम भी डिजर्व करती है या नहीं इस चीज के बारे में आप लोग ऑब्वियसली अभी तक जान चुके होंगे अगर आप लोगों ने इस मूवी को फॉलो किया होगा इस सीरीज को फॉलो किया होगा और देवरा के रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की हो तो तो यहाँ पर जूनियर एन आप लोगों को कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं सैफ अली खान देखने को मिलेंगे जानवी कपूर देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ आप लोगों को प्रकाश राज देखने को मिलेंगे श्रीकांत देखने को मिलेंगे और ये सारे के सारे एक्टर्स आप लोगों को आज की जो है वो इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट भी की है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं यहां पर इस मूवी के जेनर पर कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफी अच्छे से देखने को मिल जाता है थ्रिल देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है एक्शन देखने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छे से प्रेजेंट किया गया है और आई थिंक आप लोगों को इस मूवी को एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी यहां पर हम लोग बात करें कि क्या इस मूवी की आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं क्योंकि आई रेटिंग जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग को अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया क्योंकि अभी इसकी रिलीज़ डेट को कंफर्म किया गया है और इसे जो है वो अभी रिलीज़ नहीं किया गया सो दैट्स वाई इसकी आई रेटिंग को भी स्टार्ट नहीं किया गया जैसे इस मूवी को रिलीज़ किया जाएगा तभी इसकी आई रेटिंग भी स्टार्ट कर दी जाएगी और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी लेकिन अभी तक इस मूवी की ना ही आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानब से कोई भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने आई रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानव से ऑब्वियसली कोई परसेंटेज नहीं मिल रही इस मूवी का जेनर क्या है तो एक्शन होगा थ्रिल होगा ड्रामा होगा इस मूवी के अंदर जो कि भरपूर अंदाज में आप लोगों को इंगेज करेगा स्टार्ट से लेकर एंड तक और काफी अच्छे से ये सारा कुछ आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया गया है अगर मैं बात करूं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों के सामने आई रेटिंग के बाद और यहां पर इस मूवी की डायरेक्ट

कर ही लेगी डायरेक्शन तो कोटाला सिवा ने हैंडल की ही है लेकिन उसी के साथ स्टोरी लाइन भी कोटाला सिवा ने ही हैंडल की है प्रोड्यूसर्स की अगर मैं बात करूँ तो सुधाकर मकिल नैनी और उसी के साथ साथ कौसा राजू जो है वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे उसी के साथ नंदमुरी कल्याण राम भी आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिल जाते हैं हैंटोग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो ये मूवी जो है वो सिनेमाटोग्राफी को संभाल संभाली है इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को आर रत्ना वैल्यू ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से पहले भी मूवीज़ की सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया एंड इस मूवी की भी सिनेमा फी को हैंडल किया है एडिटिंग की बात करें तो ए शीकर प्रसाद इस मूवी की एडिटिंग को हैंडल करने वाले हैं जिन्होंने काफी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की एडिटिंग को हैंडल किया है म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो अनिरुद्ध रविचंद्र इस मूवी मुझी के म्यूजिक डायरेक्टर हैं प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को युवा सुधा आर्ट्स और एन टी आर आर्ट्स देखने को मिलेंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स में सितारा एंटरटेनमेंट्स और धर्मा प्रोडक्शंस डबल ए फिल्म देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने ये सारा कुछ प्रेजेंट किया है बाकी ये मूवी तेलुगु जुबान की मूवी होने वाली है जिसे पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया जाएगा और इस मूवी को ट्वेंटी ऑफ सेप्टेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में रिलीज कर दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ थियेटर्स के अंदर अवेलेबल होगी और कहीं पर भी ये मूवी अवेलेबल नहीं की जाएगी वेल well, तो जी जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोटाला सिवा एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिनकी हमेशा से मूवीज़ ब्लॉकबस्टर रही हैं उन्होंने जितनी भी मूवीज़ दी हैं वो सारी की सारी ब्लॉकबस्टर रही हैं एंड अगर आप लोग भी इनकी मूवीज़ को देखते आ रहे हैं इनको फॉलो करते आ रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि इनका लेवल क्या है तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ इन्हीं की एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को डेफिनेटली देखनी चाहिए अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ और ऐसी सीरीज वगैरह देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर एक्शन हो ड्रामा हो और एक अलग सा कंसेप्ट हो तो हाँ आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोगों के सामने यहाँ पर मैं प्रजेंट करने वाला हूं साल 2024 में आने वाली अपकमिंग मूवी यहां पर देवरा के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की होने वाली है कहां पर रिलीज़ की जाएगी किस लैंग्वेज में रिलीज़ की जाएगी और अभी फाइनली हम इस मूवी को देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि यह मूवी बेसिकली कहाँ पर रिलीज़ होगी किस लैंग्वेज में रिलीज़ होगी और स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल होगी या नहीं डायरेक्ट हमें कहीं पर देखने को मिलेगी ओ टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी कहाँ पर देखने को मिलेगी इन चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग बा बात करने वाले हैं तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं देवरा के बारे में तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं देवरा के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जूनियर एन ये साउथ के ऐसे एक्टर हैं जो बहुत अरसा बाद मूवी देते हैं मीन्स एक साल बाद दो साल बाद हमें मूवी देते हैं और अक्षय भाई की तरह नहीं करते कि एक साल में चार चार मूवीज़ आ रही हैं नहीं एक साल दो साल बाद हमें ये मूवी देते हैं एंड एक क्वालिटी कंटेंट हमें प्रोवाइड करते हैं एंड यही चीज़ इस मूवी को लेकर भी हुई है जी हाँ यहाँ पर क्वालिटी कॉन्टेंट है क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी हमारे सामने प्रजेंट होने वाली है अगर आप लोगों ने इसके ट्रेलर और टीज़र वगैरह को देखा होगा देन आप लोगों को बिल्कुल कन्फर्म हो चुका होगा कि ये मूवी किस तरह से अच्छी है या नहीं और आप लोगों का टाइम भी डिजर्व करती है या नहीं इस चीज़ के बारे में आप लोग ऑब्वियसली अभी तक जान चुके होंगे अगर आप लोगों ने इस मूवी को फॉलो किया होगा इस सीरीज़ को फॉलो किया होगा और देवरा के रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की हो तो तो यहाँ पर जूनियर एन आप लोगों को कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं सैफ अली खान देखने को मिलेंगे जानवी कपूर देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ आप लोगों को प्रकाश राज देखने को मिलेंगे श्रीकांत देखने को मिलेंगे और ये सारे के सारे एक्टर्स आप लोगों को आज की जो है वो इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट भी की है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं यहां पर इस मूवी के जेनर पर कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफी अच्छे से देखने को मिल जाता है थ्रिल देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है एक्शन देखने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छे से प्रजेंट किया गया है और आई थिंक आप लोगों को इस मूवी को एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी यहां पर हम लोग बात करें कि क्या इस मूवी की आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं क्योंकि आई रेटिंग जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग को अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया क्योंकि अभी इसकी रिलीज़ डेट को कंफर्म किया गया है और इसे जो है वो अभी रिलीज़ नहीं किया गया सो दैट्स वाई इसकी आई रेटिंग को भी स्टार्ट नहीं किया गया जैसे ही इस मूवी को रिलीज़ किया जाएगा तभी इसकी आई रेटिंग भी स्टार्ट कर दी जाएगी और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी लेकिन अभी तक इस मूवी की ना ही आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानब से कोई भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहां पर सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने आई रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानव से ऑब्वियसली कोई परसेंटेज नहीं मिल रही इस मूवी का जेनर क्या है तो एक्शन होगा थ्रिल होगा ड्रामा होगा इस मूवी के अंदर जो कि भरपूर अंदाज में आप लोगों को इंगेज करेगा स्टार्ट से लेकर एंड तक और काफी अच्छे से ये सारा कुछ आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया गया है अगर मैं बात करूं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों के सामने आई रेटिंग के बाद और यहां पर इस मूवी की डायरेक्शन को तो कोटाला सिवा ने हैंडल किया ही है लेकिन क्या मूवीज दी है, नहीं? तो हाँ, जैसी दी है मिर्ची, जिसे जो कि काफी अच्छी मूवीज हैं एंड आप लोग इन मूवीज को एक एक चांस दे सकते हैं इस मूवी का बजट है दो सौ करोड़ का जो कि डिसेंट सा बजट है एंड इस मूवी के जो एक्सपेक्टेशन हैं वो आई थिंक हंड्रेड क्या करोड़ इजिली कर ही लेगी डायरेक्शन तो कोटाला सिवा ने हैंडल की ही है लेकिन उसी के साथ स्टोरी लाइन भी कोटाला सिवा ने ही हैंडल की है प्रोड्यूसर्स की अगर मैं बात करूं तो सुधाकर मकिल नैनी और उसी के साथ साथ कौसा राजू जो है वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे उसी के साथ नंदमुरी कल्याण राम भी आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिल जाते हैं सिनेमाटोग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो ये मूवी जो है वो सिनेमाटोग्राफी को संभाल ली है इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को आर रत्न वैल्यू ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से पहले भी मूवीज़ की सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया एंड इस मूवी की भी को हैंडल किया है एडिटिंग की बात करें तो ए श्रीकर प्रसाद इस मूवी की एडिटिंग को हैंडल करने वाले हैं जिन्होंने काफी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की एडिटिंग को हैंडल किया है म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो अनिरुद्ध रविचंद्र इस मूवी मुझी के म्यूजिक डायरेक्टर हैं प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को युवा सुधा आर्ट्स और एनटीआर आर्ट्स देखने को मिलेंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स में सितारा एंटरटेनमेंट्स और धर्मा प्रोडक्शंस डबल ए फिल्म देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे से यहां पर आप लोगों के सामने ये सारा कुछ प्रेजेंट किया है बाकी ये मूवी तेलुगु जुबान की मूवी होने वाली है जिसे पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया जाएगा और इस मूवी को ट्वेंटी ऑफ सेप्टेबर टू में रिलीज कर दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स के अंदर अवेलेबल होगी और कहीं पर भी ये मूवी अवेलेबल नहीं की जाएगी वेल तो जी जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोटाला सिवा एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिनकी हमेशा से मूवीज़ ब्लॉकबस्टर रही हैं उन्होंने जितनी भी मूवीज़ दी हैं वो सारी की सारी ब्लॉकबस्टर रही हैं एंड अगर आप लोग भी इनकी मूवीज़ को देखते आ रहे हैं इनको फॉलो करते आ रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि इनका लेवल क्या है तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ इन्हीं की एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को डेफिनेटली देखनी चाहिए अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ और ऐसी सीरीज वगैरह देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर एक्शन हो ड्रामा हो और एक अलग सा कंसेप्ट हो तो हाँ आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोगों के सामने यहां पर मैं प्रेजेंट करने वाला हूं साल 2024 में आने वाली अपकमिंग मूवी यहां पर देवरा के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की होने वाली है कहां पर रिलीज़ की जाएगी किस लैंग्वेज में रिलीज़ की जाएगी और अभी फाइनली हम इस मूवी को देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली कहाँ पर रिलीज़ होगी किस लैंग्वेज में रिलीज़ होगी और स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल होगी या नहीं डायरेक्ट कहीं पर देखने को मिलेगी ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी कहाँ पर देखने को मिलेगी इन चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं देवरा के बारे में तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को एंड बात करते हैं देवरा के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जूनियर एन ये साउथ के ऐसे एक्टर हैं जो बहुत अरसा बाद मूवी देते हैं मीन्स एक साल बाद दो साल बाद हमें मूवी देते हैं और अक्षय भाई की तरह नहीं करते कि एक साल में चार चार मूवीज आ रही हैं नहीं एक साल दो साल बाद हमें ये मूवी देते हैं एंड एक क्वालिटी कंटेंट हमें प्रोवाइड करते हैं एंड यही चीज़ इस मूवी को लेकर भी हुई है जी हाँ यहाँ पर क्वालिटी कॉन्टेंट है क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी हमारे सामने प्रजेंट होने वाली है अगर आप लोगों ने इसके ट्रेलर और टीज़र वगैरह को देखा होगा दैन आप लोगों को बिल्कुल कन्फर्म हो चुका होगा कि ये मूवी किस तरह से अच्छी है या नहीं और आप लोगों का टाइम भी डिजर्व करती है या नहीं इस चीज़ के बारे में आप लोग ऑब्वियसली अभी तक जान चुके होंगे अगर आप लोगों ने इस मूवी को फॉलो किया होगा इस सीरीज़ को फॉलो किया होगा और देवरा के रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की हो तो तो यहाँ पर जूनियर एन आप लोगों को कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं सैफ अली खान देखने को मिलेंगे जानवी कपूर देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ आप लोगों को प्रकाश राज देखने को मिलेंगे श्रीकांत देखने को मिलेंगे और ये सारे के सारे एक्टर्स आप लोगों को आज की जो है वो इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट भी की है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं यहां पर इस मूवी के जेनर पर कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को मिल जाता है थ्रिल देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है एक्शन देखने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छे से प्रजेंट किया गया है और आई थिंक आप लोगों को इस मूवी को एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी यहाँ पर हम लोग बात करें कि क्या इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं क्योंकि आईएमडीबी रेटिंग जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग को अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया क्योंकि अभी इसकी रिलीज़ डेट को कन्फर्म किया गया है और इसे जो है वो अभी रिलीज़ नहीं किया गया सो दैट्स वाई इसकी आई रेटिंग को भी स्टार्ट नहीं किया गया जैसे इस मूवी को रिलीज़ किया जाएगा तभी इसकी आई रेटिंग भी स्टार्ट कर दी जाएगी और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी लेकिन अभी तक इस मूवी की ना ही आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानब से कोई भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहां पर सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने आई रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानव से ऑब्वियसली कोई परसेंटेज नहीं मिल रही इस मूवी का जेनर क्या है तो एक्शन होगा थ्रिल होगा ड्रामा होगा इस मूवी के अंदर जो कि भरपूर अंदाज में आप लोगों को इंगेज करेगा स्टार्ट से लेकर एंड तक और काफी अच्छे से ये सारा कुछ आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया गया है अगर मैं बात करूं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों के सामने आई रेटिंग के बाद और यहां पर इस मूवी की डायरेक्शन को तो कोटाला सिवा ने हैंडल किया ही है लेकिन क्या मूवीज दी है, या नहीं? तो हाँ, जैसी दी है मिर्ची, जिसे जो कि काफी अच्छी मूवीज हैं एंड आप लोग इन मूवीज को एक एक चांस दे सकते हैं इस मूवी का बजट है दो सौ करोड़ का जो कि डिसेंट सा बजट है एंड इस मूवी के जो एक्सपेक्टेशन है वो आई थिंक ये हंड्रेड क्या था कर ही लेगी डायरेक्शन तो कोटाला सिवा ने हैंडल की ही है लेकिन उसी के साथ स्टोरी लाइन भी कोटाला सिवा ने ही हैंडल की है प्रोड्यूसर्स की अगर मैं बात करूं तो सुधाकर मकिल नैनी और उसी के साथ साथ कौसा राजू जो है वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे उसी के साथ नंदमुरी कल्याण राम भी आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिल जाते हैं सिनेमाटोग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो ये मूवी जो है वो सिनेमाटोग्राफी को संभाल ली है इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को आर रत्न वैलू ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से पहले भी मूवीज़ की सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया एंड इस मूवी की भी फी को हैंडल किया है एडिटिंग की बात करें तो ए श्रीकर प्रसाद इस मूवी की एडिटिंग को हैंडल करने वाले हैं जिन्होंने काफी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की एडिटिंग को हैंडल किया है म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो अनिरुद्ध रविचंद्र इस मूवी मुझी के म्यूजिक डायरेक्टर हैं प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को युवा सुधा आर्ट्स और एन टी आर आर्ट्स देखने को मिलेंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स में सितारा एंटरटेनमेंट्स और धर्मा प्रोडक्शन डबल ए फिल्म देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने ये सारा कुछ प्रेजेंट किया है बाकी ये मूवी तेलुगु जुबान की मूवी होने वाली है जिसे पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ किया जाएगा और इस मूवी को ट्वेंटी सेवन्थ ऑफ सेप्टेबर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में रिलीज़ कर दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स के अंदर अवेलेबल होगी और कहीं पर भी यह मूवी अवेलेबल नहीं की जाएगी वेल well, तो जी जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोटाला सिवा एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिनकी हमेशा से मूवीज़ ब्लॉकबस्टर रही हैं उन्होंने जितनी भी मूवीज़ दी हैं वो सारी की सारी ब्लॉकबस्टर रही हैं एंड अगर आप लोग भी इनकी मूवीज़ को देखते आ रहे हैं इनको फॉलो करते आ रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि इनका लेवल क्या है तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ इन्हीं की एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को डेफिनेटली देखनी चाहिए अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ और ऐसी सीरीज़ वगैरह देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर एक्शन हो ड्रामा हो और एक अलग सा कंसेप्ट हो तो हाँ आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोगों के सामने यहाँ पर मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ साल 2024 में आने वाली अपकमिंग मूवी यहां पर देवरा के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की होने वाली है कहां पर रिलीज़ की जाएगी किस लैंग्वेज में रिलीज़ की जाएगी और अभी फाइनली हम इस मूवी को देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली कहाँ पर रिलीज़ होगी किस लैंग्वेज में रिलीज़ होगी और स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल होगी या नहीं डायरेक्ट हम में कहीं पर देखने को मिलेगी ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी कहाँ पर देखने को मिलेगी इन चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग बा बात करने वाले हैं तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं देवरा के बारे में तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं देवरा के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जूनियर एन ये साउथ के ऐसे एक्टर हैं जो बहुत अरसा बाद मूवी देते हैं मीन्स एक साल बाद दो साल बाद हमें मूवी देते हैं और अक्षय भाई की तरह नहीं करते कि एक साल में चार चार मूवीज़ आ रही हैं नहीं एक साल दो साल बाद हमें ये मूवी देते हैं एंड एक क्वालिटी कंटेंट हमें प्रोवाइड करते हैं एंड यही चीज़ इस मूवी को लेकर भी हुई है जी हाँ यहाँ पर क्वालिटी कॉन्टेंट है क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी हमारे सामने प्रजेंट होने वाली है अगर आप लोगों ने इसके ट्रेलर और टीज़र वगैरह को देखा होगा दैन आप लोगों को बिल्कुल कंफर्म हो चुका होगा कि ये मूवी किस तरह से अच्छी है या नहीं और आप लोगों का टाइम भी डिजर्व करती है या नहीं इस चीज़ के बारे में आप लोग ऑब्वियसली अभी तक जान चुके होंगे अगर आप लोगों ने इस मूवी को फॉलो किया होगा इस सीरीज़ को फॉलो किया होगा और देवरा के रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की हो तो तो यहाँ पर जूनियर एन आप लोगों को कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं सैफ अली खान देखने को मिलेंगे जानवी कपूर देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ आप लोगों को प्रकाश राज देखने को मिलेंगे श्रीकांत देख को मिलेंगे और ये सारे के सारे एक्टर्स आप लोगों को आज की जो है वो इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट भी की है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं यहां पर इस मूवी के जेनर पर कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को मिल जाता है थ्रिल देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है एक्शन देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे से प्रजेंट किया गया है और आई थिंक आप लोगों को इस मूवी को एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी यहाँ पर हम लोग बात करें कि क्या इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं क्योंकि आईएमडीबी रेटिंग जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग को अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया क्योंकि अभी इसकी रिलीज़ डेट को कंफर्म किया गया है और इसे जो है वो अभी रिलीज़ नहीं किया गया सो दैट्स वाई इसकी आईएमडीबी रेटिंग को भी स्टार्ट नहीं किया गया जैसे इस मूवी को रिलीज़ किया जाएगा तभी इसकी आई रेटिंग भी स्टार्ट कर दी जाएगी और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी लेकिन अभी तक इस मूवी की ना ही आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानब से कोई भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहां पर सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने आई रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानव से कोई परसेंटेज नहीं मिल रही इस मूवी का जेनर क्या है तो एक्शन होगा थ्रिल होगा ड्रामा होगा इस मूवी के अंदर जो कि भरपूर अंदाज में आप लोगों को इंगेज करेगा स्टार्ट से लेकर एंड तक और काफी अच्छे से ये सारा कुछ आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया गया है अगर मैं बात करूं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों के सामने आई रेटिंग के बाद और यहां पर इस मूवी की डायरेक्शन को तो कोटाला सिवा ने हैंडल किया ही है लेकिन क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी है, ये नहीं? तो जैसी दी है मिर्ची, जिसे वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं जो कि काफी अच्छी मूवीज है एंड आप लोग इन मूवीज को एक एक चांस दे सकते हैं इस मूवी का बजट है जी दो सौ करोड़ का जो कि डिसेंट सा बजट है एंड इस मूवी के जो एक्सपेक्टेशन है वो आई थिंक ये हंड्रेड क्या थाउजेंड करोड़ इजिली कर ही लेगी डायरेक्शन तो कोटाला सिवा ने हैंडल की ही है लेकिन उसी के साथ स्टोरी लाइन भी कोटाला सिवा ने ही हैंडल की है प्रोड्यूसर्स की अगर मैं बात करूं तो सुधाकर मकिल नैनी और उसी के साथ साथ कौसा राजू जो है वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे उसी के साथ नंदमुरी कल्याण राम भी आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिल जाते हैं सिनेमाटोग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो ये मूवी जो है वो सिनेमाटोग्राफी को संभाल ली है इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को आर रत्न वैल्यू ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से पहले भी मूवीज़ की सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया एंड इस मूवी की भी को हैंडल किया है एडिटिंग की बात करें तो ए शीकर प्रसाद इस मूवी की एडिटिंग को हैंडल करने वाले हैं जिन्होंने काफी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की एडिटिंग को हैंडल किया है म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो अनिरुद्ध रविचंद्र इस मूवी मुझी के म्यूजिक डायरेक्टर हैं प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को युवा सुधा आर्ट्स और एन टी आर आर्ट्स देखने को मिलेंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स में सितारा एंटरटेनमेंट्स और धर्मा प्रोडक्शन डबल ए फिल्म देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने ये सारा कुछ प्रेजेंट किया है बाकी ये मूवी तेलुगु जुबान की मूवी होने वाली है जिसे पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ किया जाएगा और इस मूवी को ट्वेंटी सेवन्थ ऑफ सेप्टेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में रिलीज़ कर दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स के अंदर अवेलेबल होगी और कहीं पर भी ये मूवी अवेलेबल नहीं की जाएगी वेल well, तो जी जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोटाला सिवा एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिनकी हमेशा से मूवीज़ ब्लॉकबस्टर रही हैं उन्होंने जितनी भी मूवीज़ दी हैं वो सारी की सारी ब्लॉकबस्टर रही हैं एंड अगर आप लोग भी इनकी मूवीज़ को देखते आ रहे हैं इनको फॉलो करते आ रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि इनका लेवल क्या है तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ इन्हीं की एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को डेफिनेटली देखनी चाहिए अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ और ऐसी सीरीज़ वग़ैरह देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर एक्शन हो ड्रामा हो और एक अलग सा कंसेप्ट हो तो हाँ आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोगों के सामने यहाँ पर मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ साल 2024 में आने वाली अपकमिंग मूवी यहां पर देवरा के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की होने वाली है कहां पर रिलीज़ की जाएगी किस लैंग्वेज में रिलीज़ की जाएगी और अभी फाइनली हम इस मूवी को देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे इन चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली कहाँ पर रिलीज़ होगी किस लैंग्वेज में रिलीज़ होगी और स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल होगी या नहीं डायरेक्ट में कहीं पर देखने को मिलेगी ओ टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी कहाँ पर देखने को मिलेगी इन चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं देवरा के बारे में तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को एंड बात करते हैं देवरा के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जूनियर एन ये साउथ के ऐसे एक्टर हैं जो बहुत अरसा बाद मूवी देते हैं मीनस एक साल बाद दो साल बाद हमें मूवी देते हैं और अक्षय भाई की तरह नहीं करते कि एक साल में चार चार मूवीज़ आ रही हैं नहीं एक साल दो साल बाद हमें ये मूवी देते हैं एंड एक क्वालिटी कंटेंट हमें प्रोवाइड करते हैं एंड यही चीज़ इस मूवी को लेकर भी हुई है जी हाँ यहाँ पर क्वालिटी कॉन्टेंट है क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी हमारे सामने प्रजेंट होने वाली है अगर आप लोगों ने इसके ट्रेलर और टीज़र वगैरह को देखा होगा देन आप लोगों को बिल्कुल कंफर्म हो चुका होगा कि ये मूवी किस तरह से अच्छी है या नहीं और आप लोगों का टाइम भी डिजर्व करती है या नहीं इस चीज़ के बारे में आप लोग ऑब्वियसली अभी तक जान चुके होंगे अगर आप लोगों ने इस मूवी को फॉलो किया होगा इस सीरीज़ को फॉलो किया होगा और देवरा के रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की हो तो तो यहाँ पर जूनियर एन आप लोगों को कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं सैफ अली खान देखने को मिलेंगे जाह्नवी कपूर देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ आप लोगों को प्रकाश राज देखने को मिलेंगे श्रीकांत देख देखने को मिलेंगे और ये सारे के सारे एक्टर्स आप लोगों को आज की जो है वो इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट भी की है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं यहां पर इस मूवी के जेनर पर कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफी अच्छे से देखने को मिल जाता है थ्रिल देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है एक्शन देखने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छे से प्रेजेंट किया गया है और आई थिंक आप लोगों को इस मूवी को एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी यहां पर हम लोग बात करें कि क्या इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं क्योंकि आईएमडीबी रेटिंग जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग को अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया क्योंकि अभी इसकी रिलीज़ डेट को कंफर्म किया गया है और इसे जो है वो अभी रिलीज़ नहीं किया गया सो दैट्स वाई इसकी आई रेटिंग को भी स्टार्ट नहीं किया गया जैसे ही इस मूवी को रिलीज़ किया जाएगा तभी इसकी आई रेटिंग भी स्टार्ट कर दी जाएगी और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी लेकिन अभी तक इस मूवी की ना ही आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानब से कोई भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहां पर सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने आई रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानव से कोई परसेंटेज नहीं मिल रही इस मूवी का जेनर क्या है तो एक्शन होगा थ्रिल होगा ड्रामा होगा इस मूवी के अंदर जो कि भरपूर अंदाज में आप लोगों को इंगेज करेगा स्टार्ट से लेकर एंड तक और काफी अच्छे से ये सारा कुछ आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया गया है अगर मैं बात करूं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों के सामने आई रेटिंग के बाद और यहां पर इस मूवी की डायरेक्ट को तो कोटाला शिवा ने हैंडल किया ही है लेकिन क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं तो आचार्य हाँ, जैसी मूवीज दी है मिर्ची भारत भारत जिसे डैशिंग सीएम भी बोला जाता है है जनता के राज श्री इस तरह की मूवीज जो हैं वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं जो कि काफी अच्छी मूवीज हैं एंड आप लोग इन मूवीज को एक एक चांस दे सकते हैं इस मूवी का बजट है जी दो करोड़ का जो कि एक डिसेंट सा बजट है एंड इस मूवी के जो एक्सपेक्टेशन है वो आई थिंक ये हंड्रेड क्या थाउजेंड करोड़ इजिली कर ही लेगी डायरेक्शन तो कोटाला सिवा ने हैंडल की ही है लेकिन उसी के साथ स्टोरी लाइन भी कोटाला सिवा ने ही हैंडल की है प्रोड्यूसर्स की अगर मैं बात करूं तो सुधाकर मकिल नैनी और उसी के साथ साथ कोसा राजू जो है वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे उसी के साथ नंदमुरी कल्याण राम भी आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिल जाते हैं सिनेमाटोग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो ये मूवी जो है वो सिनेमाटोग्राफी को संभाल ली है इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को आर रत्न वैल्यू ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से पहले भी मूवीज़ की सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया एंड इस मूवी की भी को हैंडल है। एडिटिंग की की बात करें तो प्रसाद इस मूवी एडिटिंग को हैंडल करने वाले हैं जिन्होंने काफी अच्छे से यहां पर आप लोगों के सामने इस मूवी की एडिटिंग को हैंडल किया है म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो अनिरुद्ध रविचंद्र इस मूवी मुझी के म्यूजिक डायरेक्टर हैं प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को युवा सुधा आर्ट्स और एन टी आर आर्ट्स देखने को मिलेंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स में सितारा एंटरटेनमेंट्स और धर्मा प्रोडक्शन डबल ए फिल्म देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने ये सारा कुछ प्रेजेंट किया है बाकी ये मूवी तेलुगु जुबान की मूवी होने वाली है जिसे पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ किया जाएगा और इस मूवी को ट्वेंटी ऑफ सेप्टेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में रिलीज़ कर दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स के अंदर अवेलेबल होगी और कहीं पर भी ये मूवी अवेलेबल नहीं की जाएगी वेल well, तो जी जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोटाला सिवा एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिनकी हमेशा से मूवीज़ ब्लॉकबस्टर रही हैं उन्होंने जितनी भी मूवीज़ दी हैं वो सारी की सारी ब्लॉकबस्टर रही हैं एंड अगर आप लोग भी इनकी मूवीज़ को देखते आ रहे हैं इनको फॉलो करते आ रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि इनका लेवल क्या है तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रज़ेंट करने वाला हूँ इन्हीं की एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को डेफिनेटली देखनी चाहिए अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ और ऐसी सीरीज़ वग़ैरह देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर एक्शन हो ड्रामा हो और एक अलग सा कंसेप्ट हो तो हाँ आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोगों के सामने यहाँ पर मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ साल 2024 में आने वाली अपकमिंग मूवी यहां पर देवरा के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की होने वाली है कहां पर रिलीज़ की जाएगी किस लैंग्वेज में रिलीज़ की जाएगी और अभी फाइनली हम इस मूवी को देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि यह मूवी बेसिकली कहाँ पर रिलीज़ होगी किस लैंग्वेज में रिलीज़ होगी और स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल होगी या नहीं डायरेक्ट में कहीं पर देखने को मिलेगी ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी कहाँ पर देखने को मिलेगी इन चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग बा, बात करने वाले हैं तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं देवरा के बारे में तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को एंड बात करते हैं देवरा के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जूनियर एन ये साउथ के ऐसे एक्टर हैं जो बहुत अरसा बाद मूवी देते हैं मीन्स एक साल बाद दो साल बाद हमें मूवी देते हैं और अक्षय भाई की तरह नहीं करते कि एक साल में चार चार मूवीज़ आ रही हैं नहीं एक साल दो साल बाद हमें ये मूवी देते हैं एंड एक क्वालिटी कंटेंट हमें प्रोवाइड करते हैं एंड यही चीज़ इस मूवी को लेकर भी हुई है जी हाँ यहाँ पर क्वालिटी कॉन्टेंट है क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी हमारे सामने प्रजेंट होने वाली है अगर आप लोगों ने इसके ट्रेलर और टीज़र वगैरह को देखा होगा देन आप लोगों को बिल्कुल कंफर्म हो चुका होगा कि ये मूवी किस तरह से अच्छी है या नहीं और आप लोगों का टाइम भी डिजर्व करती है या नहीं इस चीज़ के बारे में आप लोग ऑब्वियसली अभी तक जान चुके होंगे अगर आप लोगों ने इस मूवी को फॉलो किया होगा इस सीरीज को फॉलो किया होगा और देवरा के रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की हो तो तो यहाँ पर जूनियर एन आप लोगों को कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं सैफ अली खान देखने को मिलेंगे जानवी कपूर देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ आप लोगों को प्रकाश राज देखने को मिलेंगे श्रीकांत देखने देखने को मिलेंगे और ये सारे के सारे एक्टर्स आप लोगों को आज की जो है वो इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट भी की है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं यहां पर इस मूवी के जेनर पर कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफी अच्छे से देखने को मिल जाता है थ्रिल देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है एक्शन देखने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छे से प्रेजेंट किया गया है और आई थिंक आप लोगों को इस मूवी को एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी यहां पर हम लोग बात करें कि क्या इस मूवी की आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं क्योंकि आई रेटिंग जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग को अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया क्योंकि अभी इसकी रिलीज़ डेट को कंफर्म किया गया है और इसे जो है वो अभी रिलीज़ नहीं किया गया सो दैट्स वाई इसकी आई रेटिंग को भी स्टार्ट नहीं किया गया जैसे ही इस मूवी को रिलीज़ किया जाएगा तभी इसकी आई रेटिंग भी स्टार्ट कर दी जाएगी और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी लेकिन अभी तक इस मूवी की ना ही आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानब से कोई भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहां पर सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने आई रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानवर से ऑब्वियसली परसेंटेज नहीं मिल रही इस मूवी का जेनर क्या है तो एक्शन होगा थ्रिल होगा ड्रामा होगा इस मूवी के अंदर जो कि भरपूर अंदाज में आप लोगों को इंगेज करेगा स्टार्ट से लेकर एंड तक और काफी अच्छे से ये सारा कुछ आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया गया है अगर मैं बात करूं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों के सामने आई रेटिंग के बाद और यहां पर इस मूवी की डायरेक्ट को तो कोटाला सिवा ने हैंडल किया ही है लेकिन क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी है आचार्य तो हाँ, जैसी दी है, मिर्ची, भारत के सामने प्रेजेंट की हैं जो कि काफी अच्छी मूवीज हैं एंड आप लोग इन मूवीज को एक एक चांस दे सकते हैं इस मूवी का बजट है जी 200 करोड़ का जो कि एक डिसेंट सा बजट है एंड इस मूवी के जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो आई थिंक ये हंड्रेड क्या थाउजेंड करोड़ ईजीली कर ही लेगी डायरेक्शन तो कोटाला सिवा ने हैंडल की ही है लेकिन उसी के साथ स्टोरी लाइन भी कोटाला सिवा ने ही हैंडल की है प्रोड्यूसर्स की अगर मैं बात करूँ तो सुधाकर मकिल नैनी और उसी के साथ साथ कौसा राजू जो है वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे उसी के साथ नंदमुरी कल्याण राम भी आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिल जाते हैं सिनेमाटोग्राफी की अगर मैं बात करूं तो ये मूवी जो है वो सिनेमाटोग्राफी को संभाल ली है इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को आर रत्न वैल्यू ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से पहले भी मूवीज़ की सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया एंड इस मूवी की भी सिनेमा टोग्राफी को हैंडल किया है एडिटिंग की बात करें तो ए श्रीकर प्रसाद इस मूवी की एडिटिंग को हैंडल करने वाले हैं जिन्होंने काफी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की एडिटिंग को हैंडल किया है म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो अनिरुद्ध रविचंद्र इस मूवी मुझी के म्यूजिक डायरेक्टर हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ में आप लोगों को युवा सुधा आर्ट्स और एन टी आर आर्ट्स देखने को मिलेंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स में सितारा इंटरटेनमेंट्स और धर्मा प्रोडक्शन डबल ए फिल्म देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने ये सारा कुछ प्रेजेंट किया है बाकी यह मूवी तेलुगु जुबान की मूवी होने वाली है जिसे पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ किया जाएगा और इस मूवी को ट्वेंटी ऑफ सेप्टेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में रिलीज़ कर दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स के अंदर अवेलेबल होगी और कहीं पर भी ये मूवी अवेलेबल नहीं की जाएगी वेल well, तो जी जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोटाला सिवा एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिनकी हमेशा से मूवीज़ ब्लॉकबस्टर रही हैं उन्होंने जितनी भी मूवीज़ दी हैं वो सारी की सारी ब्लॉकबस्टर रही हैं एंड अगर आप लोग भी इनकी मूवीज़ को देखते आ रहे हैं इनको फॉलो करते आ रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि इनका लेवल क्या है तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ इन्हीं की एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को डेफिनेटली देखनी चाहिए अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ और ऐसी सीरीज़ वगैरह देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर एक्शन हो ड्रामा हो और एक अलग सा कंसेप्ट हो तो हाँ आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोगों के सामने यहाँ पर मैं प्रजेंट करने वाला हूँ साल 2024 में आने वाली अपकमिंग मूवी यहां पर देवरा के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की होने वाली है कहां पर रिलीज़ की जाएगी किस लैंग्वेज में रिलीज़ की जाएगी और अभी फाइनली हम इस मूवी को देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली कहाँ पर रिलीज़ होगी किस लैंग्वेज में रिलीज़ होगी और स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल होगी या नहीं डायरेक्ट हमें कहीं पर देखने को मिलेगी ओ टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी कहाँ पर देखने को मिलेगी इन चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं देवरा के बारे में तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को एंड बात करते हैं देवरा के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जूनियर एन ये साउथ के ऐसे एक्टर हैं जो बहुत अरसा बाद मूवी देते हैं मीन्स एक साल बाद दो साल बाद हमें मूवी देते हैं और अक्षय भाई की तरह नहीं करते कि एक साल में चार चार मूवीज़ आ रही हैं नहीं एक साल दो साल बाद हमें ये मूवी देते हैं एंड एक क्वालिटी कंटेंट हमें प्रोवाइड करते हैं एंड यही चीज़ इस मूवी को लेकर भी हुई है जी हाँ यहाँ पर क्वालिटी कॉन्टेंट है क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी हमारे सामने प्रजेंट होने वाली है अगर आप लोगों ने इसके ट्रेलर और टीज़र वगैरह को देखा होगा देन आप लोगों को बिल्कुल कन्फर्म हो चुका होगा कि ये मूवी किस तरह से अच्छी है या नहीं और आप लोगों का टाइम भी डिजर्व करती है या नहीं इस चीज के बारे में आप लोग ऑब्वियसली अभी तक जान चुके होंगे अगर आप लोगों ने इस मूवी को फॉलो किया होगा इस सीरीज को फॉलो किया होगा और देवरा के रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की हो तो तो यहाँ पर जूनियर एन आप लोगों को कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं सैफ अली खान देखने को मिलेंगे जानवी कपूर देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ आप लोगों को प्रकाश राज देखने को मिलेंगे श्रीकांत देखने को मिलेंगे और ये सारे के सारे एक्टर्स आप लोगों को आज की जो है वो इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट भी की है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं यहां पर इस मूवी के जेनर पर कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफी अच्छे से देखने को मिल जाता है थ्रिल देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है एक्शन देखने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छे से प्रेजेंट किया गया है और आई थिंक आप लोगों को इस मूवी को एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी यहां पर हम लोग बात करें कि क्या इस मूवी की आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं क्योंकि आई रेटिंग जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग को अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया क्योंकि अभी इसकी रिलीज़ डेट को कंफर्म किया गया है और इसे जो है वो अभी रिलीज़ नहीं किया गया सो दैट्स वाई इसकी आई रेटिंग को भी स्टार्ट नहीं किया गया जैसे इस मूवी को रिलीज़ किया जाएगा तभी इसकी आई रेटिंग भी स्टार्ट कर दी जाएगी और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी लेकिन अभी तक इस मूवी की ना ही आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानब से कोई भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहां पर सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने आई रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानव से कोई परसेंटेज नहीं मिल रही इस मूवी का जेनर क्या है तो एक्शन होगा थ्रिल होगा ड्रामा होगा इस मूवी के अंदर जो कि भरपूर अंदाज में आप लोगों को एंगेज करेगा स्टार्ट से लेकर एंड तक और काफी अच्छे से ये सारा कुछ आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया गया है अगर मैं बात करूं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों के सामने आई रेटिंग के बाद और यहां पर इस मूवी की डायरेक्ट को तो कोटाला सिवा ने हैंडल किया ही है लेकिन क्या इन्होंने पास्ट आचार्य तो हाँ, जैसी प्रेजेंट की हैं जो काफी अच्छी मूवीज हैं एंड आप लोग इन मूवीज को एक एक चांस दे सकते हैं इस मूवी का बजट है जी दो करोड़ का जो कि एक डिसेंट सा बजट है एंड इस मूवी के जो एक्सपेक्टेशन हैं वो आई थिंक ये हंड्रेड क्या थाउजेंड करोड़ इजीडी कर ही लेगी डायरेक्शन तो कोटाला सिवा ने हैंडल की ही है लेकिन उसी के साथ स्टोरी लाइन भी कोटाला सिवा ने ही हैंडल की है प्रोड्यूसर्स की अगर मैं बात करूँ तो सुधाकर मकिल नैनी और उसी के साथ साथ कौसा राजू जो है वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे उसी के साथ नंदमुरी कल्याण राम भी आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिल जाते हैं सिनेमाटोग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो ये मूवी जो है वो सिनेमाटोग्राफी को संभाल संभाली है इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को आर रत्ना वैल्यू ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से पहले भी मूवीज़ की सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया एंड इस मूवी की भी सिनेमा फी को हैंडल किया है एडिटिंग की बात करें तो ए शीकर प्रसाद इस मूवी की एडिटिंग को हैंडल करने वाले हैं जिन्होंने काफी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की एडिटिंग को हैंडल किया है म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो अनिरुद्ध रविचंद्र इस मूवी मुझी के म्यूजिक डायरेक्टर हैं प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को युवा सुधा आर्ट्स और एन टी आर आर्ट्स देखने को मिलेंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स में सितारा एंटरटेनमेंट्स और धर्मा प्रोडक्शंस डबल ए फिल्म देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने ये सारा कुछ प्रेजेंट किया है बाकी ये मूवी तेलुगु जुबान की मूवी होने वाली है जिसे पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया जाएगा और इस मूवी को ट्वेंटी ऑफ सेप्टेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में रिलीज कर दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ थियेटर्स के अंदर अवेलेबल होगी और कहीं पर भी ये मूवी अवेलेबल नहीं की जाएगी वेल well, तो जी जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोटाला सिवा एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिनकी हमेशा से मूवीज़ ब्लॉकबस्टर रही हैं उन्होंने जितनी भी मूवीज़ दी हैं वो सारी की सारी ब्लॉकबस्टर रही हैं एंड अगर आप लोग भी इनकी मूवीज़ को देखते आ रहे हैं इनको फॉलो करते आ रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि इनका लेवल क्या है तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ इन्हीं की एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को डेफिनेटली देखनी चाहिए अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ और ऐसी सीरीज वगैरह देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर एक्शन हो ड्रामा हो और एक अलग सा कंसेप्ट हो तो हाँ आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोगों के सामने यहां पर मैं प्रजेंट करने वाला हूं साल 2024 में आने वाली अपकमिंग मूवी यहां पर देवरा के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की होने वाली है कहां पर रिलीज़ की जाएगी किस लैंग्वेज में रिलीज़ की जाएगी और अभी फाइनली हम इस मूवी को देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि यह मूवी बेसिकली कहाँ पर रिलीज़ होगी किस लैंग्वेज में रिलीज़ होगी और स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल होगी या नहीं डायरेक्ट हमें कहीं पर देखने को मिलेगी ओ टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी कहाँ पर देखने को मिलेगी इन चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं देवरा के बारे में तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं देवरा के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जूनियर एन ये साउथ के ऐसे एक्टर हैं जो बहुत अरसा बाद मूवी देते हैं मीन्स एक साल बाद दो साल बाद हमें मूवी देते हैं और अक्षय भाई की तरह नहीं करते कि एक साल में चार चार मूवीज़ आ रही हैं नहीं एक साल दो साल बाद हमें ये मूवी देते हैं एंड एक क्वालिटी कंटेंट हमें प्रोवाइड करते हैं एंड यही चीज़ इस मूवी को लेकर भी हुई है जी हाँ यहाँ पर क्वालिटी कॉन्टेंट है क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी हमारे सामने प्रजेंट होने वाली है अगर आप लोगों ने इसके ट्रेलर और टीज़र वगैरह को देखा होगा देन आप लोगों को बिल्कुल कंफर्म हो चुका होगा कि ये मूवी किस तरह से अच्छी है या नहीं और आप लोगों का टाइम भी डिजर्व करती है या नहीं इस चीज़ के बारे में आप लोग ऑब्वियसली अभी तक जान चुके होंगे अगर आप लोगों ने इस मूवी को फॉलो किया होगा इस सीरीज़ को फॉलो किया होगा और देवरा के रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की हो तो तो यहाँ पर जूनियर एन आप लोगों को कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं सैफ अली खान देखने को मिलेंगे जानवी कपूर देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ आप लोगों को प्रकाश राज देखने को मिलेंगे श्रीकांत देखने को मिलेंगे और ये सारे के सारे एक्टर्स आप लोगों को आज की जो है वो इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट भी की है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं यहां पर इस मूवी के जेनर पर कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफी अच्छे से देखने को मिल जाता है थ्रिल देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है एक्शन देखने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छे से प्रजेंट किया गया है और आई थिंक आप लोगों को इस मूवी को एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी यहां पर हम लोग बात करें कि क्या इस मूवी की आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं क्योंकि आई रेटिंग जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग को अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया क्योंकि अभी इसकी रिलीज़ डेट को कंफर्म किया गया है और इसे जो है वो अभी रिलीज़ नहीं किया गया सो दैट्स वाई इसकी आई रेटिंग को भी स्टार्ट नहीं किया गया जैसे इस मूवी को रिलीज़ किया जाएगा तभी इसकी आई रेटिंग भी स्टार्ट कर दी जाएगी और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी लेकिन अभी तक इस मूवी की ना ही आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानब से कोई भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहां पर सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने आई रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानव से ऑब्वियसली कोई परसेंटेज नहीं मिल रही इस मूवी का जेनर क्या है तो एक्शन होगा थ्रिल होगा ड्रामा होगा इस मूवी के अंदर जो कि भरपूर अंदाज में आप लोगों को इंगेज करेगा स्टार्ट से लेकर एंड तक और काफी अच्छे से ये सारा कुछ आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया गया है अगर मैं बात करूं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों के सामने आई रेटिंग के बाद और यहां पर इस मूवी की डायरेक्शन को तो कोटाला सिवा ने हैंडल किया ही है लेकिन क्या मूवीज दी है, नहीं? तो हाँ, जैसी दी है मिर्ची, जिसे जो कि काफी अच्छी मूवीज हैं एंड आप लोग इन मूवीज को एक एक चांस दे सकते हैं इस मूवी का बजट है दो सौ करोड़ का जो कि बजट है एंड इस मूवी के जो एक्सपेक्टेशन हैं वो आई थिंक हंड्रेड क्या करोड़ इजिली कर ही लेगी डायरेक्शन तो कोटाला सिवा ने हैंडल की ही है लेकिन उसी के साथ स्टोरी लाइन भी कोटाला सिवा ने ही हैंडल की है प्रोड्यूसर्स की अगर मैं बात करूं तो सुधाकर मकिल नैनी और उसी के साथ साथ कौसा राजू जो है वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे उसी के साथ नंदमुरी कल्याण राम भी आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिल जाते हैं सिनेमाटोग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो ये मूवी जो है वो सिनेमाटोग्राफी को संभाल ली है इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को आर रत्न वैल्यू ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से पहले भी मूवीज़ की सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया एंड इस मूवी की भी को हैंडल किया है एडिटिंग की बात करें तो ए श्रीकर प्रसाद इस मूवी की एडिटिंग को हैंडल करने वाले हैं जिन्होंने काफी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की एडिटिंग को हैंडल किया है म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो अनिरुद्ध रविचंद्र इस मूवी मुझी के म्यूजिक डायरेक्टर हैं प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को युवा सुधा आर्ट्स और एनटीआर आर्ट्स देखने को मिलेंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स में सितारा एंटरटेनमेंट्स और धर्मा प्रोडक्शंस डबल ए फिल्म देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे से यहां पर आप लोगों के सामने ये सारा कुछ प्रेजेंट किया है बाकी यह मूवी तेलुगु जुबान की मूवी होने वाली है जिसे पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ किया जाएगा और इस मूवी को ट्वेंटी ऑफ सेप्टेबर टू में रिलीज़ कर दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स के अंदर अवेलेबल होगी और कहीं पर भी यह मूवी अवेलेबल नहीं की जाए वेल तो जी जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोटाला सिवा एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिनकी हमेशा से मूवीज़ ब्लॉकबस्टर रही हैं उन्होंने जितनी भी मूवीज़ दी हैं वो सारी की सारी ब्लॉकबस्टर रही हैं एंड अगर आप लोग भी इनकी मूवीज़ को देखते आ रहे हैं इनको फॉलो करते आ रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि इनका लेवल क्या है तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ इन्हीं की एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को डेफिनेटली देखनी चाहिए अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ और ऐसी सीरीज वगैरह देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर एक्शन हो ड्रामा हो और एक अलग सा कंसेप्ट हो तो हाँ आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोगों के सामने यहाँ पर मैं प्रजेंट करने वाला हूं साल 2024 में आने वाली अपकमिंग मूवी यहां पर देवरा के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की होने वाली है कहां पर रिलीज़ की जाएगी किस लैंग्वेज में रिलीज़ की जाएगी और अभी फाइनली हम इस मूवी को देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली कहाँ पर रिलीज़ होगी किस लैंग्वेज में रिलीज़ होगी और स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल होगी या नहीं डायरेक्ट कहीं पर देखने को मिलेगी ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी कहाँ पर देखने को मिलेगी इन चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग बा, बात करने वाले हैं तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं देवरा के बारे में तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को एंड बात करते हैं देवरा के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जूनियर एन ये साउथ के ऐसे एक्टर हैं जो बहुत अरसा बाद मूवी देते हैं मीन्स एक साल बाद दो साल बाद हमें मूवी देते हैं और अक्षय भाई की तरह नहीं करते कि एक साल में चार चार मूवीज़ आ रही हैं नहीं एक साल दो साल बाद हमें ये मूवी देते हैं एंड एक क्वालिटी कंटेंट हमें प्रोवाइड करते हैं एंड यही चीज़ इस मूवी को लेकर भी हुई है जी हाँ यहाँ पर क्वालिटी कॉन्टेंट है क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी हमारे सामने प्रजेंट होने वाली है अगर आप लोगों ने इसके ट्रेलर और टीज़र वगैरह को देखा होगा दैन आप लोगों को बिल्कुल कंफर्म हो चुका होगा कि ये मूवी किस तरह से अच्छी है या नहीं और आप लोगों का टाइम भी डिजर्व करती है या नहीं इस चीज़ के बारे में आप लोग ऑब्वियसली अभी तक जान चुके होंगे अगर आप लोगों ने इस मूवी को फॉलो किया होगा इस सीरीज़ को फॉलो किया होगा और देवरा के रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की हो तो तो यहाँ पर जूनियर एन आप लोगों को कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं सैफ अली खान देखने को मिलेंगे जानवी कपूर देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ आप लोगों को प्रकाश राज देखने को मिलेंगे श्रीकांत देख देखने को मिलेंगे और ये सारे के सारे एक्टर्स आप लोगों को आज की जो है वो इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट भी की है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं यहां पर इस मूवी के जेनर पर कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को मिल जाता है थ्रिल देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है एक्शन देखने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छे से प्रजेंट किया गया है और आई थिंक आप लोगों को इस मूवी को एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी यहाँ पर हम लोग बात करें कि क्या इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं क्योंकि आईएमडीबी रेटिंग जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग को अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया क्योंकि अभी इसकी रिलीज़ डेट को कन्फर्म किया गया है और इसे जो है वो अभी रिलीज़ नहीं किया गया सो दैट्स वाई इसकी आई रेटिंग को भी स्टार्ट नहीं किया गया जैसे इस मूवी को रिलीज़ किया जाएगा तभी इसकी आई रेटिंग भी स्टार्ट कर दी जाएगी और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी लेकिन अभी तक इस मूवी की ना ही आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानब से कोई भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहां पर सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने आई रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानव से ऑब्वियसली कोई परसेंटेज नहीं मिल रही इस मूवी का जेनर क्या है तो एक्शन होगा थ्रिल होगा ड्रामा होगा इस मूवी के अंदर जो कि भरपूर अंदाज में आप लोगों को इंगेज करेगा स्टार्ट से लेकर एंड तक और काफी अच्छे से ये सारा कुछ आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया गया है अगर मैं बात करूं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों के सामने आई रेटिंग के बाद और यहां पर इस मूवी की डायरेक्शन

कर ही लेगी डायरेक्शन तो कोटाला सिवा ने हैंडल की ही है लेकिन उसी के साथ स्टोरी लाइन भी कोटाला सिवा ने ही हैंडल की है प्रोड्यूसर्स की अगर मैं बात करूं तो सुधाकर मकिल नैनी और उसी के साथ साथ कौसा राजू जो है वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे उसी के साथ नंदमुरी कल्याण राम भी आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिल जाते हैं सिनेमाटोग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो ये मूवी जो है वो सिनेमाटोग्राफी को संभाल ली है इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को आर रत्न वैलू ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से पहले भी मूवीज़ की सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया एंड इस मूवी की भी फी को हैंडल किया है एडिटिंग की बात करें तो ए श्रीकर प्रसाद इस मूवी की एडिटिंग को हैंडल करने वाले हैं जिन्होंने काफी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की एडिटिंग को हैंडल किया है म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो अनिरुद्ध रविचंद्र इस मूवी मुझी के म्यूजिक डायरेक्टर हैं प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को युवा सुधा आर्ट्स और एन टी आर आर्ट्स देखने को मिलेंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स में सितारा एंटरटेनमेंट्स और धर्मा प्रोडक्शन डबल ए फिल्म देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने ये सारा कुछ प्रेजेंट किया है बाकी ये मूवी तेलुगु जुबान की मूवी होने वाली है जिसे पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ किया जाएगा और इस मूवी को ट्वेंटी सेवन्थ ऑफ सेप्टेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में रिलीज़ कर दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स के अंदर अवेलेबल होगी और कहीं पर भी यह मूवी अवेलेबल नहीं की जाएगी वेल well, तो जी जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोटाला सिवा एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिनकी हमेशा से मूवीज़ ब्लॉकबस्टर रही हैं उन्होंने जितनी भी मूवीज़ दी हैं वो सारी की सारी ब्लॉकबस्टर रही हैं एंड अगर आप लोग भी इनकी मूवीज़ को देखते आ रहे हैं इनको फॉलो करते आ रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि इनका लेवल क्या है तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ इन्हीं की एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को डेफिनेटली देखनी चाहिए अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ और ऐसी सीरीज़ वगैरह देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर एक्शन हो ड्रामा हो और एक अलग सा कंसेप्ट हो तो हाँ आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोगों के सामने यहाँ पर मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ साल 2024 में आने वाली अपकमिंग मूवी यहां पर देवरा के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की होने वाली है कहां पर रिलीज़ की जाएगी किस लैंग्वेज में रिलीज़ की जाएगी और अभी फाइनली हम इस मूवी को देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली कहाँ पर रिलीज़ होगी किस लैंग्वेज में रिलीज़ होगी और स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल होगी या नहीं डायरेक्ट हम में कहीं पर देखने को मिलेगी ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी कहाँ पर देखने को मिलेगी इन चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग बा... बात करने वाले हैं तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं देवरा के बारे में तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं देवरा के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जूनियर एन ये साउथ के ऐसे एक्टर हैं जो बहुत अरसा बाद मूवी देते हैं मीन्स एक साल बाद दो साल बाद हमें मूवी देते हैं और अक्षय भाई की तरह नहीं करते कि एक साल में चार चार मूवीज़ आ रही हैं नहीं एक साल दो साल बाद हमें ये मूवी देते हैं एंड एक क्वालिटी कंटेंट हमें प्रोवाइड करते हैं एंड यही चीज़ इस मूवी को लेकर भी हुई है जी हाँ यहाँ पर क्वालिटी कॉन्टेंट है क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी हमारे सामने प्रजेंट होने वाली है अगर आप लोगों ने इसके ट्रेलर और टीज़र वगैरह को देखा होगा दैन आप लोगों को बिल्कुल कंफर्म हो चुका होगा कि ये मूवी किस तरह से अच्छी है या नहीं और आप लोगों का टाइम भी डिजर्व करती है या नहीं इस चीज़ के बारे में आप लोग ऑब्वियसली अभी तक जान चुके होंगे अगर आप लोगों ने इस मूवी को फॉलो किया होगा इस सीरीज़ को फॉलो किया होगा और देवरा के रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की हो तो तो यहाँ पर जूनियर एन आप लोगों को कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं सैफ अली खान देखने को मिलेंगे जानवी कपूर देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ आप लोगों को प्रकाश राज देखने को मिलेंगे श्रीकांत देख को मिलेंगे और ये सारे के सारे एक्टर्स आप लोगों को आज की जो है वो इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफी अच्छे से प्रेजेंट भी की है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं यहां पर इस मूवी के जेनर पर कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को मिल जाता है थ्रिल देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है एक्शन देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे से प्रजेंट किया गया है और आई थिंक आप लोगों को इस मूवी को एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी यहाँ पर हम लोग बात करें कि क्या इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं क्योंकि आईएमडीबी रेटिंग जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग को अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया क्योंकि अभी इसकी रिलीज़ डेट को कंफर्म किया गया है और इसे जो है वो अभी रिलीज़ नहीं किया गया सो दैट्स वाई इसकी आईएमडीबी रेटिंग को भी स्टार्ट नहीं किया गया जैसे इस मूवी को रिलीज़ किया जाएगा तभी इसकी आई रेटिंग भी स्टार्ट कर दी जाएगी और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी लेकिन अभी तक इस मूवी की ना ही आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानब से कोई भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहां पर सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने आई रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानव से ऑब्वियसली कोई परसेंटेज नहीं मिल रही इस मूवी का जेनर क्या है तो एक्शन होगा थ्रिल होगा ड्रामा होगा इस मूवी के अंदर जो कि भरपूर अंदाज में आप लोगों को इंगेज करेगा स्टार्ट से लेकर एंड तक और काफी अच्छे से ये सारा कुछ आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया गया है अगर मैं बात करूं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों के सामने आई रेटिंग के बाद और यहां पर इस मूवी की डायरेक्शन को तो कोटाला सिवा ने हैंडल किया ही है लेकिन क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी है, ये नहीं, तो हाँ, जैसी दी है मिर्ची, जिसे जो कि काफी अच्छी मूवीज हैं एंड आप लोग इन मूवीज को एक एक चांस दे सकते हैं इस मूवी का बजट है दो सौ करोड़ का जो कि एक सा बजट है एंड इस मूवी के जो एक्सपेक्टेशन है वो आई थिंक ये हंड्रेड क्या थाउजेंड करोड़ इजिली कर ही लेगी डायरेक्शन तो कोटाला सिवा ने हैंडल की ही है लेकिन उसी के साथ स्टोरी लाइन भी कोटाला सिवा ने ही हैंडल की है प्रोड्यूसर्स की अगर मैं बात करूं तो सुधाकर मकिल नैनी और उसी के साथ साथ कौसा राजू जो है वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे उसी के साथ नंदमुरी कल्याण राम भी आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिल जाते हैं सिनेमाटोग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो ये मूवी जो है वो सिनेमाटोग्राफी को संभाल ली है इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को आर रत्न वैल्यू ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से पहले भी मूवीज़ की सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया एंड इस मूवी की भी को हैंडल किया है एडिटिंग की बात करें तो एकर प्रसाद इस मूवी की एडिटिंग को हैंडल करने वाले हैं जिन्होंने काफी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की एडिटिंग को हैंडल किया है म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो अनिरुद्ध रविचंद्र इस मूवी मुझी के म्यूजिक डायरेक्टर हैं प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को युवा सुधा आर्ट्स और एन टी आर आर्ट्स देखने को मिलेंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स में सितारा एंटरटेनमेंट्स और धर्मा प्रोडक्शन डबल ए फिल्म देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने ये सारा कुछ प्रेजेंट किया है बाकी ये मूवी तेलुगु जुबान की मूवी होने वाली है जिसे पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ किया जाएगा और इस मूवी को ट्वेंटी सेवन्थ ऑफ सेप्टेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में रिलीज़ कर दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स के अंदर अवेलेबल होगी और कहीं पर भी ये मूवी अवेलेबल नहीं की जाएगी वेल well, तो जी जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोटाला सिवा एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिनकी हमेशा से मूवीज़ ब्लॉकबस्टर रही हैं उन्होंने जितनी भी मूवीज़ दी हैं वो सारी की सारी ब्लॉकबस्टर रही हैं एंड अगर आप लोग भी इनकी मूवीज़ को देखते आ रहे हैं इनको फॉलो करते आ रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि इनका लेवल क्या है तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ इन्हीं की एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को डेफिनेटली देखनी चाहिए अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ और ऐसी सीरीज़ वग़ैरह देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर एक्शन हो ड्रामा हो और एक अलग सा कंसेप्ट हो तो हाँ आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोगों के सामने यहाँ पर मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ साल 2024 में आने वाली अपकमिंग मूवी यहां पर देवरा के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की होने वाली है कहां पर रिलीज़ की जाएगी किस लैंग्वेज में रिलीज़ की जाएगी और अभी फाइनली हम इस मूवी को देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली कहाँ पर रिलीज़ होगी किस लैंग्वेज में रिलीज़ होगी और स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल होगी या नहीं डायरेक्ट में कहीं पर देखने को मिलेगी ओ टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी कहाँ पर देखने को मिलेगी इन चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं देवरा के बारे में तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को एंड बात करते हैं देवरा के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जूनियर एन ये साउथ के ऐसे एक्टर हैं जो बहुत अरसा बाद मूवी देते हैं मीनस एक साल बाद दो साल बाद हमें मूवी देते हैं और अक्षय भाई की तरह नहीं करते कि एक साल में चार चार मूवीज़ आ रही हैं नहीं एक साल दो साल बाद हमें ये मूवी देते हैं एंड एक क्वालिटी कंटेंट हमें प्रोवाइड करते हैं एंड यही चीज़ इस मूवी को लेकर भी हुई है जी हाँ यहाँ पर क्वालिटी कॉन्टेंट है क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी हमारे सामने प्रजेंट होने वाली है अगर आप लोगों ने इसके ट्रेलर और टीज़र वगैरह को देखा होगा देन आप लोगों को बिल्कुल कंफर्म हो चुका होगा कि ये मूवी किस तरह से अच्छी है या नहीं और आप लोगों का टाइम भी डिजर्व करती है या नहीं इस चीज़ के बारे में आप लोग ऑब्वियसली अभी तक जान चुके होंगे अगर आप लोगों ने इस मूवी को फॉलो किया होगा इस सीरीज़ को फॉलो किया होगा और देवरा के रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की हो तो तो यहाँ पर जूनियर एन आप लोगों को कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं सैफ अली खान देखने को मिलेंगे जाह्नवी कपूर देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ आप लोगों को प्रकाश राज देखने को मिलेंगे श्रीकांत देख खने को मिलेंगे और ये सारे के सारे एक्टर्स आप लोगों को आज की जो है वो इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं यहां पर इस मूवी के जेनर पर कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफी अच्छे से देखने को मिल जाता है थ्रिल देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है एक्शन देखने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छे से प्रेजेंट किया गया है और आई थिंक आप लोगों को इस मूवी को एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बाकी यहां पर हम लोग बात करें कि क्या इस मूवी की आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं क्योंकि आई रेटिंग जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग को अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया क्योंकि अभी इसकी रिलीज़ डेट को कंफर्म किया गया है और इसे जो है वो अभी रिलीज़ नहीं किया गया सो दैट्स वाई इसकी आईएमडीबी रेटिंग को भी स्टार्ट नहीं किया गया जैसे ही इस मूवी को रिलीज़ किया जाएगा तभी इसकी आई रेटिंग भी स्टार्ट कर दी जाएगी और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी लेकिन अभी तक इस मूवी की ना ही आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानब से कोई भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी यहां पर सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने आई रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की से कोई परसेंटेज नहीं मिल रही इस मूवी का जेनर क्या है तो एक्शन होगा थ्रिल होगा ड्रामा होगा इस मूवी के अंदर जो कि भरपूर अंदाज में आप लोगों को इंगेज करेगा स्टार्ट से लेकर एंड तक और काफी अच्छे से ये सारा कुछ आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया गया है अगर मैं बात करूं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों के सामने आई रेटिंग के बाद और यहां पर इस मूवी की डायरेक्ट को तो कोटाला सिवा ने हैंडल किया ही है लेकिन क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं तो हाँ, है, है, है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है जो कि काफी अच्छी मूवीज हैं एंड आप लोग इन मूवीज को एक एक चांस दे सकते हैं इस मूवी का बजट है जी दो करोड़ का जो कि एक डिसेंट सा बजट है एंड इस मूवी के जो एक्सपेक्टेशन है वो आई थिंक ये हंड्रेड क्या थाउजेंड करोड़ इजिली कर ही लेगी डायरेक्शन तो कोटाला सिवा ने हैंडल की ही है लेकिन उसी के साथ स्टोरी लाइन भी कोटाला सिवा ने ही हैंडल की है प्रोड्यूसर्स की अगर मैं बात करूं तो सुधाकर मकिल नैनी और उसी के साथ साथ कोसा राजू जो है वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे उसी के साथ नंदमुरी कल्याण राम भी आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिल जाते हैं सिनेमाटोग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो ये मूवी जो है वो सिनेमाटोग्राफी को संभाल ली है इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को आर रत्न वैल्यू ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से पहले भी मूवीज़ की सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया एंड इस मूवी की भी को हैंडल है। की, तो की एडिटिंग को हैंडल करने वाले हैं जिन्होंने काफी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की एडिटिंग को हैंडल किया है म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो अनिरुद्ध रविचंद्र इस मूवी मुझी के म्यूजिक डायरेक्टर हैं प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को युवा सुधा आर्ट्स और एन टी आर आर्ट्स देखने को मिलेंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स में सितारा एंटरटेनमेंट्स और धर्मा प्रोडक्शन डबल ए फिल्म देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने ये सारा कुछ प्रेजेंट किया है बाकी ये मूवी तेलुगु जुबान की मूवी होने वाली है जिसे पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ किया जाएगा और इस मूवी को ट्वेंटी ऑफ सेप्टेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में रिलीज़ कर दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स के अंदर अवेलेबल होगी और कहीं पर भी ये मूवी अवेलेबल नहीं की जाएगी वेल well, तो जी जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोटाला सिवा एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिनकी हमेशा से मूवीज़ ब्लॉकबस्टर रही हैं उन्होंने जितनी भी मूवीज़ दी हैं वो सारी की सारी ब्लॉकबस्टर रही हैं एंड अगर आप लोग भी इनकी मूवीज़ को देखते आ रहे हैं इनको फॉलो करते आ रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि इनका लेवल क्या है तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रज़ेंट करने वाला हूँ इन्हीं की एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को डेफिनेटली देखनी चाहिए अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ और ऐसी सीरीज़ वग़ैरह देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर एक्शन हो ड्रामा हो और एक अलग सा कंसेप्ट हो तो हाँ आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोगों के सामने यहाँ पर मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ साल 2024 में आने वाली अपकमिंग मूवी यहां पर देवरा के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की होने वाली है कहां पर रिलीज़ की जाएगी किस लैंग्वेज में रिलीज़ की जाएगी और अभी फाइनली हम इस मूवी को देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली कहाँ पर रिलीज़ होगी किस लैंग्वेज में रिलीज़ होगी और स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल होगी या नहीं डायरेक्ट में कहीं पर देखने को मिलेगी ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी कहाँ पर देखने को मिलेगी इन चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं देवरा के बारे में तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को एंड बात करते हैं देवरा के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जूनियर एन ये साउथ के ऐसे एक्टर हैं जो बहुत अरसा बाद मूवी देते हैं मीन्स एक साल बाद दो साल बाद हमें मूवी देते हैं और अक्षय भाई की तरह नहीं करते कि एक साल में चार चार मूवीज़ आ रही हैं नहीं एक साल दो साल बाद हमें ये मूवी देते हैं एंड एक क्वालिटी कंटेंट हमें प्रोवाइड करते हैं एंड यही चीज़ इस मूवी को लेकर भी हुई है जी हाँ यहाँ पर क्वालिटी कॉन्टेंट है क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी हमारे सामने प्रजेंट होने वाली है अगर आप लोगों ने इसके ट्रेलर और टीज़र वगैरह को देखा होगा देन आप लोगों को बिल्कुल कंफर्म हो चुका होगा कि ये मूवी किस तरह से अच्छी है या नहीं और आप लोगों का टाइम भी डिजर्व करती है या नहीं इस चीज़ के बारे में आप लोग ऑब्वियसली अभी तक जान चुके होंगे अगर आप लोगों ने इस मूवी को फॉलो किया होगा इस सीरीज को फॉलो किया होगा और देवरा के रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की हो तो तो यहाँ पर जूनियर एन आप लोगों को कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं सैफ अली खान देखने को मिलेंगे जानवी कपूर देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ आप लोगों को प्रकाश राज देखने को मिलेंगे श्रीकांत देखने देखने को मिलेंगे और ये सारे के सारे एक्टर्स आप लोगों को आज की जो है वो इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं यहाँ पर इस मूवी के जेनर पर कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को मिल जाता है थ्रिल देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है एक्शन देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे से प्रजेंट किया गया है और आई थिंक आप लोगों को इस मूवी को एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी यहां पर हम लोग बात करें कि क्या इस मूवी की आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं क्योंकि आई रेटिंग जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग को अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया क्योंकि अभी इसकी रिलीज़ डेट को कंफर्म किया गया है और इसे जो है वो अभी रिलीज़ नहीं किया गया सो दैट्स वाई इसकी आई रेटिंग को भी स्टार्ट नहीं किया गया जैसे ही इस मूवी को रिलीज़ किया जाएगा तभी इसकी आई रेटिंग भी स्टार्ट कर दी जाएगी और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी लेकिन अभी तक इस मूवी की ना ही आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानब से कोई भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहां पर सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने आई रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानवर से ऑब्वियसली कोई परसेंटेज नहीं मिल रही इस मूवी का जेनर क्या है तो एक्शन होगा थ्रिल होगा ड्रामा होगा इस मूवी के अंदर जो कि भरपूर अंदाज में आप लोगों को इंगेज करेगा स्टार्ट से लेकर एंड तक और काफी अच्छे से ये सारा कुछ आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया गया है अगर मैं बात करूं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों के सामने आई रेटिंग के बाद और यहां पर इस मूवी की डायरेक्ट को तो कोटाला सिवा ने हैंडल किया ही है लेकिन क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं जो कि काफी अच्छी मूवीज हैं एंड आप लोग इन मूवीज को एक एक चांस दे सकते हैं इस मूवी का बजट है जी 200 करोड़ का जो कि एक डिसेंट सा बजट है एंड इस मूवी के जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो आई थिंक ये हंड्रेड क्या थाउजेंड करोड़ ईजीली कर ही लेगी डायरेक्शन तो कोटाला सिवा ने हैंडल की ही है लेकिन उसी के साथ स्टोरी लाइन भी कोटाला सिवा ने ही हैंडल की है प्रोड्यूसर्स की अगर मैं बात करूँ तो सुधाकर मकिल नैनी और उसी के साथ साथ कौशा राजू जो है वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे उसी के साथ नंदमुरी कल्याण राम भी आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिल जाते हैं हैंटोग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो ये मूवी जो है वो सिनेमाटोग्राफी को संभाल संभाली है इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को आर रत्ना वैल्यू ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से पहले भी मूवीज़ की सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया एंड इस मूवी की भी को हैंडल किया है। एडिटिंग की बात करें तो श्रीकर प्रसाद इस मूवी की एडिटिंग को हैंडल करने वाले हैं जिन्होंने काफी अच्छे से यहां पर आप लोगों के सामने इस मूवी की एडिटिंग को हैंडल किया है म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो अनिरुद्ध रविचंद्र इस मूवी मुझी के म्यूजिक डायरेक्टर हैं प्रोडक्शन कंपनीज़ में आप लोगों को युवा सुधा आर्ट्स और एन टी आर आर्ट्स देखने को मिलेंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स में सितारा इंटरटेनमेंट्स और धर्मा प्रोडक्शन डबल ए फिल्म देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने ये सारा कुछ प्रेजेंट किया है बाकी यह मूवी तेलुगु जुबान की मूवी होने वाली है जिसे पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ किया जाएगा और इस मूवी को ट्वेंटी ऑफ सेप्टेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में रिलीज़ कर दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स के अंदर अवेलेबल होगी और कहीं पर भी ये मूवी अवेलेबल नहीं की जाएगी वेल well, तो जी जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोटाला सिवा एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिनकी हमेशा से मूवीज़ ब्लॉकबस्टर रही हैं उन्होंने जितनी भी मूवीज़ दी हैं वो सारी की सारी ब्लॉकबस्टर रही हैं एंड अगर आप लोग भी इनकी मूवीज़ को देखते आ रहे हैं इनको फॉलो करते आ रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि इनका लेवल क्या है तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ इन्हीं की एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को डेफिनेटली देखनी चाहिए अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ और ऐसी सीरीज़ वगैरह देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर एक्शन हो ड्रामा हो और एक अलग सा कंसेप्ट हो तो हाँ आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोगों के सामने यहाँ पर मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ साल 2024 में आने वाली अपकमिंग मूवी यहां पर देवरा के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की होने वाली है कहां पर रिलीज़ की जाएगी किस लैंग्वेज में रिलीज़ की जाएगी और अभी फाइनली हम इस मूवी को देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली कहाँ पर रिलीज़ होगी किस लैंग्वेज में रिलीज़ होगी और स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल होगी या नहीं डायरेक्ट हमें कहीं पर देखने को मिलेगी ओ टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी कहाँ पर देखने को मिलेगी इन चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं देवरा के बारे में तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को एंड बात करते हैं देवरा के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जूनियर एन ये साउथ के ऐसे एक्टर हैं जो बहुत अरसा बाद मूवी देते हैं मीन्स एक साल बाद दो साल बाद हमें मूवी देते हैं और अक्षय भाई की तरह नहीं करते कि एक साल में चार चार मूवीज़ आ रही हैं नहीं एक साल दो साल बाद हमें ये मूवी देते हैं एंड एक क्वालिटी कंटेंट हमें प्रोवाइड करते हैं एंड यही चीज़ इस मूवी को लेकर भी हुई है जी हाँ यहाँ पर क्वालिटी कॉन्टेंट है क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी हमारे सामने प्रजेंट होने वाली है अगर आप लोगों ने इसके ट्रेलर और टीज़र वगैरह को देखा होगा देन आप लोगों को बिल्कुल कंफर्म हो चुका होगा कि ये मूवी किस तरह से अच्छी है या नहीं और आप लोगों का टाइम भी डिजर्व करती है या नहीं इस चीज के बारे में आप लोग ऑब्वियसली अभी तक जान चुके होंगे अगर आप लोगों ने इस मूवी को फॉलो किया होगा इस सीरीज को फॉलो किया होगा और देवरा के रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की हो तो तो यहाँ पर जूनियर एन आप लोगों को कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं सैफ अली खान देखने को मिलेंगे जानवी कपूर देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ आप लोगों को प्रकाश राज देखने को मिलेंगे श्रीकांत देखने को मिलेंगे और ये सारे के सारे एक्टर्स आप लोगों को आज की जो है वो इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं यहाँ पर इस मूवी के जेनर पर कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को मिल जाता है थ्रिल देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है एक्शन देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे से प्रजेंट किया गया है और आई थिंक आप लोगों को इस मूवी को एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी यहां पर हम लोग बात करें कि क्या इस मूवी की आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं क्योंकि आई रेटिंग जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग को अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया क्योंकि अभी इसकी रिलीज़ डेट को कंफर्म किया गया है और इसे जो है वो अभी रिलीज़ नहीं किया गया सो दैट्स वाई इसकी आईएमडीबी रेटिंग को भी स्टार्ट नहीं किया गया जैसे इस मूवी को रिलीज़ किया जाएगा तभी इसकी आई रेटिंग भी स्टार्ट कर दी जाएगी और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी लेकिन अभी तक इस मूवी की ना ही आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानब से कोई भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहां पर सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने आई रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानव से ऑब्बियसली कोई परसेंटेज नहीं मिल रही इस मूवी का जेनर क्या है तो एक्शन होगा थ्रिल होगा ड्रामा होगा इस मूवी के अंदर जो कि भरपूर अंदाज में आप लोगों को एंगेज करेगा स्टार्ट से लेकर एंड तक और काफी अच्छे से ये सारा कुछ आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया गया है अगर मैं बात करूं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों के सामने आई रेटिंग के बाद और यहां पर इस मूवी की डायरेक्ट

कर ही लेगी है डायरेक्शन तो कोटाला सिवा ने हैंडल की ही है लेकिन उसी के साथ स्टोरी लाइन भी कोटाला सिवा ने ही हैंडल की है प्रोड्यूसर्स की अगर मैं बात करूँ तो सुधाकर मकिल नैनी और उसी के साथ साथ कौसा राजू जो है वो आप लोगों को तो इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे उसी के साथ नंदमुरी कल्याण राम भी आप लोगों को तो इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिल जाते हैं सिनेमाटोग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो ये मूवी जो है वो सिनेमाटोग्राफी को संभाल संभाली है इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को आर रत्ना वैल्यू ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से पहले भी मूवीज़ की सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया एंड इस मूवी की भी सिनेमा को हैंडल किया है एडिटिंग की बात करें तो ए एकर प्रसाद इस मूवी की एडिटिंग को हैंडल करने वाले हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे से पर आप लोगों के सामने इस मूवी की की एडिटिंग को हैंडल किया है म्यूजिक डायरेक्शन बात करें तो अनिरुद्ध रविचंद्र इस मूवी मुझी के म्यूजिक डायरेक्टर हैं प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को युवा सुधा आर्ट्स और एन टी आर आर्ट्स देखने को मिलेंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स में सितारा एंटरटेनमेंट्स और धर्मा प्रोडक्शंस डबल ए फिल्म्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे से यहां पर आप लोगों के सामने ये सारा कुछ प्रेजेंट किया है कि ये मूवी तेलुगु जुबान की मूवी होने वाली है जिसे पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया जाएगा और इस मूवी को ट्वेंटी सेवन में रिलीज कर दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स के अंदर अवेलेबल होगी और कहीं पर भी ये मूवी अवेलेबल नहीं की जाएगी वेल तो जी जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोटाला सिवा एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिनकी हमेशा से मूवीज़ ब्लॉकबस्टर रही हैं उन्होंने जितनी भी मूवीज़ दी हैं वो सारी की सारी ब्लॉकबस्टर रही हैं एंड अगर आप लोग भी इनकी मूवीज़ को देखते आ रहे हैं इनको फॉलो करते आ रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि इनका लेवल क्या है तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ इन्हीं की एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को डेफिनेटली देखनी चाहिए अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ और ऐसी सीरीज वगैरह देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर एक्शन हो ड्रामा हो और एक अलग सा कंसेप्ट हो तो हाँ आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोगों के सामने यहां पर मैं प्रजेंट करने वाला हूं साल 2024 में आने वाली अपकमिंग मूवी यहां पर देवरा के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की होने वाली है कहां पर रिलीज़ की जाएगी किस लैंग्वेज में रिलीज़ की जाएगी और अभी फाइनली हम इस मूवी को देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि यह मूवी बेसिकली कहाँ पर रिलीज़ होगी किस लैंग्वेज में रिलीज़ होगी और स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल होगी या नहीं डायरेक्ट हमें कहीं पर देखने को मिलेगी ओ टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी कहाँ पर देखने को मिलेगी इन चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग बा, बात करने वाले हैं तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं देवरा के बारे में तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं देवरा के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जूनियर एन ये साउथ के ऐसे एक्टर हैं जो बहुत अरसा बाद मूवी देते हैं मीन्स एक साल बाद दो साल बाद हमें मूवी देते हैं और अक्षय भाई की तरह नहीं करते कि एक साल में चार चार मूवीज़ आ रही हैं नहीं एक साल दो साल बाद हमें ये मूवी देते हैं एंड एक क्वालिटी कंटेंट हमें प्रोवाइड करते हैं एंड यही चीज़ इस मूवी को लेकर भी हुई है जी हाँ यहाँ पर क्वालिटी कॉन्टेंट है क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी हमारे सामने प्रजेंट होने वाली है अगर आप लोगों ने इसके ट्रेलर और टीज़र वगैरह को देखा होगा देन आप लोगों को बिल्कुल कंफर्म हो चुका होगा कि ये मूवी किस तरह से अच्छी है या नहीं और आप लोगों का टाइम भी डिजर्व करती है या नहीं इस चीज़ के बारे में आप लोग ऑब्वियसली अभी तक जान चुके होंगे अगर आप लोगों ने इस मूवी को फॉलो किया होगा इस सीरीज़ को फॉलो किया होगा और देवरा के रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की हो तो तो यहाँ पर जूनियर एन आप लोगों को कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं सैफ अली खान देखने को मिलेंगे जानवी कपूर देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ आप लोगों को प्रकाश राज देखने को मिलेंगे श्रीकांत देखने को मिलेंगे और ये सारे के सारे एक्टर्स आप लोगों को आज की जो है वो इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं यहाँ पर इस मूवी के जेनर पर कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को मिल जाता है थ्रिल देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है एक्शन देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे से प्रजेंट किया गया है और आई थिंक आप लोगों को इस मूवी को एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बाकी यहां पर हम लोग बात करें कि क्या इस मूवी की आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं क्योंकि आई रेटिंग जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग को अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया क्योंकि अभी इसकी रिलीज़ डेट को कंफर्म किया गया है और इसे जो है वो अभी रिलीज़ नहीं किया गया सो दैट्स वाई इसकी आई रेटिंग को भी स्टार्ट नहीं किया गया जैसे ही इस मूवी को रिलीज़ किया जाएगा तभी इसकी आई रेटिंग भी स्टार्ट कर दी जाएगी और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी लेकिन अभी तक इस मूवी की ना ही आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानब से कोई भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहां पर सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने आई रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानव से ऑब्वियसली कोई परसेंटेज नहीं मिल रही इस मूवी का जेनर क्या है तो एक्शन होगा थ्रिल होगा ड्रामा होगा इस मूवी के अंदर जो कि भरपूर अंदाज में आप लोगों को इंगेज करेगा स्टार्ट से लेकर एंड तक और काफी अच्छे से ये सारा कुछ आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया गया है अगर मैं बात करूं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों के सामने आई रेटिंग के बाद और यहां पर इस मूवी की डायरेक्ट को तो कोटाला शिवा ने हैंडल किया ही है लेकिन क्या इन्होंने पास्ट आचार्य तो हाँ, जैसी प्रेजेंट की हैं जो कि काफी अच्छी मूवीज हैं एंड आप लोग इन मूवीज को एक एक चांस दे सकते हैं इस मूवी का बजट है जी दो करोड़ का जो कि एक डिसेंट सा बजट है एंड इस मूवी के जो एक्सपेक्टेशन हैं वो आई थिंक ये हंड्रेड क्या थाउजेंड करोड़ इजीडी कर ही लेगी डायरेक्शन तो कोटाला सिवा ने हैंडल की ही है लेकिन उसी के साथ स्टोरी लाइन भी कोटाला सिवा ने ही हैंडल की है प्रोड्यूसर्स की अगर मैं बात करूं तो सुधाकर मकिल नैनी और उसी के साथ साथ कौसा राजू जो है वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे उसी के साथ नंदमुरी कल्याण राम भी आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिल जाते हैं सिनेमाटोग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो ये मूवी जो है वो सिनेमाटोग्राफी को संभाल ली है इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को आर रत्ना वैल्यू ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से पहले भी मूवीज़ की सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया एंड इस मूवी की भी को हैंडल किया है एडिटिंग की बात करें तो ए श्रीकर प्रसाद इस मूवी की एडिटिंग को हैंडल करने वाले हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की एडिटिंग को हैंडल किया है म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो अनिरुद्ध रविचंद्र इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर हैं प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को युवा सुधा आर्ट्स और एन टी आर आर्ट्स देखने को मिलेंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स में सितारा एंटरटेनमेंट्स और धर्मा प्रोडक्शंस डबल ए फिल्म देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे से यहां पर आप लोगों के सामने ये सारा कुछ प्रेजेंट किया है कि ये मूवी तेलुगु जुबान की मूवी होने वाली है जिसे पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया जाएगा और इस मूवी को ट्वेंटी सेवन में रिलीज कर दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ थियेटर्स के अंदर अवेलेबल होगी और कहीं पर भी ये मूवी अवेलेबल नहीं की जाएगी वेल तो जी जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोटाला सिवा एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिनकी हमेशा से मूवीज़ ब्लॉकबस्टर रही हैं उन्होंने जितनी भी मूवीज़ दी हैं वो सारी की सारी ब्लॉकबस्टर रही हैं एंड अगर आप लोग भी इनकी मूवीज़ को देखते आ रहे हैं इनको फॉलो करते आ रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि इनका लेवल क्या है तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ इन्हीं की एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को डेफिनेटली देखनी चाहिए अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ और ऐसी सीरीज वगैरह देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर एक्शन हो ड्रामा हो और एक अलग सा कंसेप्ट हो तो हाँ आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोगों के सामने यहां पर मैं प्रजेंट करने वाला हूं साल 2024 में आने वाली अपकमिंग मूवी यहां पर देवरा के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की होने वाली है कहां पर रिलीज़ की जाएगी किस लैंग्वेज में रिलीज़ की जाएगी और अभी फाइनली हम इस मूवी को देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली कहाँ पर रिलीज़ होगी किस लैंग्वेज में रिलीज़ होगी और स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल होगी या नहीं डायरेक्ट में कहीं पर देखने को मिलेगी ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी कहाँ पर देखने को मिलेगी इन चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं देवरा के बारे में तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को एंड बात करते हैं देवरा के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जूनियर एन ये साउथ के ऐसे एक्टर हैं जो बहुत अरसा बाद मूवी देते हैं मीन्स एक साल बाद दो साल बाद हमें मूवी देते हैं और अक्षय भाई की तरह नहीं करते कि एक साल में चार चार मूवीज़ आ रही हैं नहीं एक साल दो साल बाद हमें ये मूवी देते हैं एंड एक क्वालिटी कंटेंट हमें प्रोवाइड करते हैं एंड यही चीज़ इस मूवी को लेकर भी हुई है जी हाँ यहाँ पर क्वालिटी कॉन्टेंट है क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी हमारे सामने प्रजेंट होने वाली है अगर आप लोगों ने इसके ट्रेलर और टीज़र वगैरह को देखा होगा दैन आप लोगों को बिल्कुल कंफर्म हो चुका होगा कि ये मूवी किस तरह से अच्छी है या नहीं और आप लोगों का टाइम भी डिजर्व करती है या नहीं इस चीज़ के बारे में आप लोग ऑब्वियसली अभी तक जान चुके होंगे अगर आप लोगों ने इस मूवी को फॉलो किया होगा इस सीरीज़ को फॉलो किया होगा और देवरा के रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की हो तो तो यहाँ पर जूनियर एन आप लोगों को कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं सैफ अली खान देखने को मिलेंगे जानवी कपूर देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ आप लोगों को प्रकाश राज देखने को मिलेंगे श्रीकांत देख देखने को मिलेंगे और ये सारे के सारे एक्टर्स आप लोगों को आज की जो है वो इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं यहाँ पर इस मूवी के जेनर पर कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को मिल जाता है थ्रिल देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है एक्शन देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे से प्रजेंट किया गया है और आई थिंक आप लोगों को इस मूवी को एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक चांस दें तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बाकी यहां पर हम लोग बात करें कि क्या इस मूवी की आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं क्योंकि आईएमडीबी रेटिंग जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग को अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया क्योंकि अभी इसकी रिलीज़ डेट को कन्फर्म किया गया है और इसे जो है वो अभी रिलीज़ नहीं किया गया सो दैट्स वाई इसकी आई रेटिंग को भी स्टार्ट नहीं किया गया जैसे इस मूवी को रिलीज़ किया जाएगा तभी इसकी आई रेटिंग भी स्टार्ट कर दी जाएगी और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी लेकिन अभी तक इस मूवी की ना ही आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानब से कोई भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहां पर सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने आई रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानव से ऑब्वियसली कोई परसेंटेज नहीं मिल रही इस मूवी का जेनर क्या है तो एक्शन होगा थ्रिल होगा ड्रामा होगा इस मूवी के अंदर जो कि भरपूर अंदाज में आप लोगों को इंगेज करेगा स्टार्ट से लेकर एंड तक और काफी अच्छे से ये सारा कुछ आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया गया है अगर मैं बात करूं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों के सामने आई रेटिंग के बाद और यहां पर इस मूवी की डायरेक्शन

कर ही लेगी डायरेक्शन तो कोटाला सिवा ने हैंडल की ही है लेकिन उसी के साथ स्टोरी लाइन भी कोटाला सिवा ने ही हैंडल की है प्रोड्यूसर्स की अगर मैं बात करूं तो सुधाकर मकिल नैनी और उसी के साथ साथ कौसा राजू जो है वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे उसी के साथ नंदमुरी कल्याण राम भी आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिल जाते हैं सिनेमाटोग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो ये मूवी जो है वो सिनेमाटोग्राफी को संभाल ली है इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को आर रत्न वैल्यू ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से पहले भी मूवीज़ की सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया एंड इस मूवी की भी टोग्राफी को हैंडल किया है एडिटिंग की बात करें तो ए श्रीकर प्रसाद इस मूवी की एडिटिंग को हैंडल करने वाले हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की एडिटिंग को हैंडल किया है म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो अनिरुद्ध रविचंद्र इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर हैं प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को युवा सुधा आर्ट्स और एनटीआर आर्ट्स देखने को मिलेंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स में सितारा एंटरटेनमेंट्स और धर्मा प्रोडक्शंस डबल ए फिल्म देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे से यहां पर आप लोगों के सामने ये सारा कुछ प्रेजेंट किया है बाकी ये मूवी तेलुगु जुबान की मूवी होने वाली है जिसे पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया जाएगा और इस मूवी को ट्वेंटी ऑफ सितंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में रिलीज कर दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स के अंदर अवेलेबल होगी और कहीं पर भी ये मूवी अवेलेबल नहीं की जाए वेल well, तो जी जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोटाला सिवा एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिनकी हमेशा से मूवीज़ ब्लॉकबस्टर रही हैं उन्होंने जितनी भी मूवीज़ दी हैं वो सारी की सारी ब्लॉकबस्टर रही हैं एंड अगर आप लोग भी इनकी मूवीज़ को देखते आ रहे हैं इनको फॉलो करते आ रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि इनका लेवल क्या है तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ इन्हीं की एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को डेफिनेटली देखनी चाहिए अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ और ऐसी सीरीज़ वगैरह देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर एक्शन हो ड्रामा हो और एक अलग सा कंसेप्ट हो तो हाँ आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोगों के सामने यहाँ पर मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ साल 2024 में आने वाली अपकमिंग मूवी यहां पर देवरा के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की होने वाली है कहां पर रिलीज़ की जाएगी किस लैंग्वेज में रिलीज़ की जाएगी और अभी फाइनली हम इस मूवी को देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली कहाँ पर रिलीज़ होगी किस लैंग्वेज में रिलीज़ होगी और स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल होगी या नहीं डायरेक्ट हम में कहीं पर देखने को मिलेगी ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी कहाँ पर देखने को मिलेगी इन चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं देवरा के बारे में तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं देवरा के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जूनियर एन ये साउथ के ऐसे एक्टर हैं जो बहुत अरसा बाद मूवी देते हैं मीन्स एक साल बाद दो साल बाद हमें मूवी देते हैं और अक्षय भाई की तरह नहीं करते कि एक साल में चार चार मूवीज़ आ रही हैं नहीं एक साल दो साल बाद हमें ये मूवी देते हैं एंड एक क्वालिटी कंटेंट हमें प्रोवाइड करते हैं एंड यही चीज़ इस मूवी को लेकर भी हुई है जी हाँ यहाँ पर क्वालिटी कॉन्टेंट है क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी हमारे सामने प्रजेंट होने वाली है अगर आप लोगों ने इसके ट्रेलर और टीज़र वगैरह को देखा होगा दैन आप लोगों को बिल्कुल कंफर्म हो चुका होगा कि ये मूवी किस तरह से अच्छी है या नहीं और आप लोगों का टाइम भी डिजर्व करती है या नहीं इस चीज़ के बारे में आप लोग ऑब्वियसली अभी तक जान चुके होंगे अगर आप लोगों ने इस मूवी को फॉलो किया होगा इस सीरीज को फॉलो किया होगा और देवरा के रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की हो तो तो यहाँ पर जूनियर एन आप लोगों को कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं सैफ अली खान देखने को मिलेंगे जानवी कपूर देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ आप लोगों को प्रकाश राज देखने को मिलेंगे श्रीकांत देखने को मिलेंगे और ये सारे के सारे एक्टर्स आप लोगों को आज की जो है वो इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं यहाँ पर इस मूवी के जेनर पर कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को मिल जाता है थ्रिल देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है एक्शन देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे से प्रजेंट किया गया है और आई थिंक आप लोगों को इस मूवी को एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक चांस दें तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बाकी यहां पर हम लोग बात करें कि क्या इस मूवी की आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं क्योंकि आई रेटिंग जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग को अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया क्योंकि अभी इसकी रिलीज़ डेट को कंफर्म किया गया है और इसे जो है वो अभी रिलीज़ नहीं किया गया सो दैट्स वाई इसकी आईएमडीबी रेटिंग को भी स्टार्ट नहीं किया गया जैसे इस मूवी को रिलीज़ किया जाएगा तभी इसकी आई रेटिंग भी स्टार्ट कर दी जाएगी और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी लेकिन अभी तक इस मूवी की ना ही आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानब से कोई भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहां पर सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने आई रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानव से कोई परसेंटेज नहीं मिल रही इस मूवी का जेनर क्या है तो एक्शन होगा थ्रिल होगा ड्रामा होगा इस मूवी के अंदर जो कि भरपूर अंदाज में आप लोगों को इंगेज करेगा स्टार्ट से लेकर एंड तक और काफी अच्छे से ये सारा कुछ आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया गया है अगर मैं बात करूं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों के सामने आई रेटिंग के बाद और यहां पर इस मूवी की डायरेक्शन को तो कोटाला सिवा ने हैंडल किया ही है लेकिन क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी है, ये नहीं? तो हाँ, जैसी दी है। मिर्ची, जिसे जो कि काफी अच्छी मूवीज हैं एंड आप लोग इन मूवीज को एक एक चांस दे सकते हैं इस मूवी का बजट है दो सौ करोड़ का जो कि एक सा बजट है एंड इस मूवी के जो एक्सपेक्टेशन है वो आई थिंक ये हंड्रेड क्या थाउजेंड करोड़ इजिली कर ही लेगी डायरेक्शन तो कोटाला सिवा ने हैंडल की ही है लेकिन उसी के साथ स्टोरी लाइन भी कोटाला सिवा ने ही हैंडल की है प्रोड्यूसर्स की अगर मैं बात करूं तो सुधाकर मकिल नैनी और उसी के साथ साथ कौसा राजू जो है वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे उसी के साथ नंदमुरी कल्याण राम भी आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिल जाते हैं सिनेमाटोग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो ये मूवी जो है वो सिनेमाटोग्राफी को संभाली है इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को आर रत्न वैल्यू ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से पहले भी मूवीज़ की सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया एंड इस मूवी की भी मेटोग्राफी को हैंडल किया है एडिटिंग की बात करें तो ए शेकर प्रसाद इस मूवी की एडिटिंग को हैंडल करने वाले हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की एडिटिंग को हैंडल किया है म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो अनिरुद्ध रविचंद्र इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर हैं प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को युवा सुधा आर्ट्स और एनटीआर आर्ट्स देखने को मिलेंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स में सितारा इंटरटेनमेंट्स और धर्मा प्रोडक्शंस डबल ए फिल्म्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे से यहां पर आप लोगों के सामने ये सारा कुछ प्रेजेंट किया है बाकी ये मूवी तेलुगु जुबान की मूवी होने वाली है जिसे पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ किया जाएगा और इस मूवी को ट्वेंटी ऑफ सितंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में रिलीज़ कर दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स के अंदर अवेलेबल होगी और कहीं पर भी ये मूवी अवेलेबल नहीं की जाएगी वेल well, तो जी जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोटाला सिवा एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिनकी हमेशा से मूवीज़ ब्लॉकबस्टर रही हैं उन्होंने जितनी भी मूवीज़ दी हैं वो सारी की सारी ब्लॉकबस्टर रही हैं एंड अगर आप लोग भी इनकी मूवीज़ को देखते आ रहे हैं इनको फॉलो करते आ रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि इनका लेवल क्या है तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ इन्हीं की एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को डेफिनेटली देखनी चाहिए अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ और ऐसी सीरीज़ वग़ैरह देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर एक्शन हो ड्रामा हो और एक अलग सा कंसेप्ट हो तो हाँ आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोगों के सामने यहाँ पर मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ साल 2024 में आने वाली अपकमिंग मूवी यहां पर देवरा के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की होने वाली है कहां पर रिलीज़ की जाएगी किस लैंग्वेज में रिलीज़ की जाएगी और अभी फाइनली हम इस मूवी को देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं यहाँ है पर हम लोग बात करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली कहाँ पर रिलीज़ होगी किस लैंग्वेज में रिलीज़ होगी और स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल होगी या नहीं डायरेक्ट में कहीं पर देखने को मिलेगी ओ टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी कहाँ पर देखने को मिलेगी इन चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग बा बात करने वाले हैं तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं देवरा के बारे में तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को एंड बात करते हैं देवरा के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जूनियर एन ये साउथ के ऐसे एक्टर हैं जो बहुत अरसा बाद मूवी देते हैं मीन्स एक साल बाद दो साल बाद हमें मूवी देते हैं और अक्षय भाई की तरह नहीं करते कि एक साल में चार चार मूवीज़ आ रही हैं नहीं एक साल दो साल बाद हमें ये मूवी देते हैं एंड एक क्वालिटी कंटेंट हमें प्रोवाइड करते हैं एंड यही चीज़ इस मूवी को लेकर भी हुई है जी हाँ यहाँ पर क्वालिटी कॉन्टेंट है क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी हमारे सामने प्रजेंट होने वाली है अगर आप लोगों ने इसके ट्रेलर और टीज़र वगैरह को देखा होगा देन आप लोगों को बिल्कुल कंफर्म हो चुका होगा कि ये मूवी किस तरह से अच्छी है या नहीं और आप लोगों का टाइम भी डिजर्व करती है या नहीं इस चीज़ के बारे में आप लोग ऑब्वियसली अभी तक जान चुके होंगे अगर आप लोगों ने इस मूवी को फॉलो किया होगा इस सीरीज को फॉलो किया होगा और देवरा के रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की हो तो तो यहाँ पर जूनियर एन आप लोगों को कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं सैफ अली खान देखने को मिलेंगे जाह्नवी कपूर देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ आप लोगों को प्रकाश राज देखने को मिलेंगे श्रीकांत देख देखने को मिलेंगे और ये सारे के सारे एक्टर्स आप लोगों को आज की जो है वो इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं यहां पर इस मूवी के जेनर पर कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को मिल जाता है थ्रिल देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है एक्शन देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे से प्रजेंट किया गया है और आई थिंक आप लोगों को इस मूवी को एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बाकी यहां पर हम लोग बात करें कि क्या इस मूवी की आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं क्योंकि आई रेटिंग जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग को अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया क्योंकि अभी इसकी रिलीज़ डेट को कंफर्म किया गया है और इसे जो है वो अभी रिलीज़ नहीं किया गया सो दैट्स वाई इसकी आईएमडीबी रेटिंग को भी स्टार्ट नहीं किया गया जैसे ही इस मूवी को रिलीज़ किया जाएगा तभी इसकी आई रेटिंग भी स्टार्ट कर दी जाएगी और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी लेकिन अभी तक इस मूवी की ना ही आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानब से कोई भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहां पर सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने आई रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानव से कोई परसेंटेज नहीं मिल रही इस मूवी का जेनर क्या है तो एक्शन होगा थ्रिल होगा ड्रामा होगा इस मूवी के अंदर जो कि भरपूर अंदाज में आप लोगों को इंगेज करेगा स्टार्ट से लेकर एंड तक और काफी अच्छे से ये सारा कुछ आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया गया है अगर मैं बात करूं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों के सामने आई रेटिंग के बाद और यहां पर इस मूवी की डायरेक्ट को तो कोटाला सिवा ने हैंडल किया ही है लेकिन क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी है, या नहीं? तो हाँ, जैसी दी है। मिर्ची, जिसे जो कि काफी अच्छी मूवीज हैं एंड आप लोग इन मूवीज को एक एक चांस दे सकते हैं इस मूवी का बजट है दो सौ करोड़ का जो कि एक सा बजट है एंड इस मूवी के जो एक्सपेक्टेशन है वो आई थिंक ये हंड्रेड क्या थाउजेंड करोड़ इजिली कर ही लेगी डायरेक्शन तो कोटाला सिवा ने हैंडल की ही है लेकिन उसी के साथ स्टोरी लाइन भी कोटाला सिवा ने ही हैंडल की है प्रोड्यूसर्स की अगर मैं बात करूं तो सुधाकर मकिल नैनी और उसी के साथ साथ कोसा राजू जो है वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे उसी के साथ नंदमुरी कल्याण राम भी आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिल जाते हैं सिनेमाटोग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो ये मूवी जो है वो सिनेमाटोग्राफी को संभाल ली है इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को आर रत्न वैल्यू ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से पहले भी मूवीज़ की निमेटोग्राफी को हैंडल किया एंड इस मूवी की भी मेटोग्राफी को हैंडल किया है एडिटिंग की बात करें तो ए श्रीकर प्रसाद इस मूवी की एडिटिंग को हैंडल करने वाले हैं जिन्होंने काफी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की एडिटिंग को हैंडल किया है म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो अनिरुद्ध रविचंद्र इस मूवी मुझी के म्यूजिक डायरेक्टर हैं प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को युवा सुधा आर्ट्स और एनटीआर आर्ट्स देखने को मिलेंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स में सितारा एंटरटेनमेंट्स और धर्मा प्रोडक्शंस डबल ए फिल्म देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे से यहां पर आप लोगों के सामने ये सारा कुछ प्रेजेंट किया है बाकी ये मूवी तेलुगु जुबान की मूवी होने वाली है जिसे पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ किया जाएगा और इस मूवी को ट्वेंटी सेवन्थ ऑफ सेप्टेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में रिलीज़ कर दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स के अंदर अवेलेबल होगी और कहीं पर भी ये मूवी अवेलेबल नहीं की जाएगी वेल well, तो जी जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोटाला सिवा एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिनकी हमेशा से मूवीज़ ब्लॉकबस्टर रही हैं उन्होंने जितनी भी मूवीज़ दी हैं वो सारी की सारी ब्लॉकबस्टर रही हैं एंड अगर आप लोग भी इनकी मूवीज़ को देखते आ रहे हैं इनको फॉलो करते आ रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि इनका लेवल क्या है तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रज़ेंट करने वाला हूँ इन्हीं की एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को डेफिनेटली देखनी चाहिए अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ और ऐसी सीरीज़ वग़ैरह देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर एक्शन हो ड्रामा हो और एक अलग सा कंसेप्ट हो तो हाँ आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोगों के सामने यहाँ पर मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ साल 2024 में आने वाली अपकमिंग मूवी यहां पर देवरा के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की होने वाली है कहां पर रिलीज़ की जाएगी किस लैंग्वेज में रिलीज़ की जाएगी और अभी फाइनली हम इस मूवी को देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली कहाँ पर रिलीज़ होगी किस लैंग्वेज में रिलीज़ होगी और स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल होगी या नहीं डायरेक्ट में कहीं पर देखने को मिलेगी ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी कहाँ पर देखने को मिलेगी इन चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग बा? बात करने वाले हैं तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं देवरा के बारे में तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को एंड बात करते हैं देवरा के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जूनियर एन ये साउथ के ऐसे एक्टर हैं जो बहुत अरसा बाद मूवी देते हैं मीन्स एक साल बाद दो साल बाद हमें मूवी देते हैं और अक्षय भाई की तरह नहीं करते कि एक साल में चार चार मूवीज़ आ रही हैं नहीं एक साल दो साल बाद हमें ये मूवी देते हैं एंड एक क्वालिटी कंटेंट हमें प्रोवाइड करते हैं एंड यही चीज़ इस मूवी को लेकर भी हुई है जी हाँ यहाँ पर क्वालिटी कॉन्टेंट है क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी हमारे सामने प्रजेंट होने वाली है अगर आप लोगों ने इसके ट्रेलर और टीज़र वगैरह को देखा होगा देन आप लोगों को बिल्कुल कंफर्म हो चुका होगा कि ये मूवी किस तरह से अच्छी है या नहीं और आप लोगों का टाइम भी डिजर्व करती है या नहीं इस चीज़ के बारे में आप लोग ऑब्वियसली अभी तक जान चुके होंगे अगर आप लोगों ने इस मूवी को फॉलो किया होगा इस सीरीज़ को फॉलो किया होगा और देवरा के रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की हो तो तो यहाँ पर जूनियर एन आप लोगों को कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं सैफ अली खान देखने को मिलेंगे जानवी कपूर देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ आप लोगों को प्रकाश राज देखने को मिलेंगे श्रीकांत देख देखने को मिलेंगे और ये सारे के सारे एक्टर्स आप लोगों को आज की जो है वो इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं यहाँ पर इस मूवी के जेनर पर कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को मिल जाता है थ्रिल देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है एक्शन देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे से प्रजेंट किया गया है और आई थिंक आप लोगों को इस मूवी को एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी यहां पर हम लोग बात करें कि क्या इस मूवी की आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं क्योंकि आई रेटिंग जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग को अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया क्योंकि अभी इसकी रिलीज़ डेट को कंफर्म किया गया है और इसे जो है वो अभी रिलीज़ नहीं किया गया सो दैट्स वाई इसकी आई रेटिंग को भी स्टार्ट नहीं किया गया जैसे ही इस मूवी को रिलीज़ किया जाएगा तभी इसकी आई रेटिंग भी स्टार्ट कर दी जाएगी और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी लेकिन अभी तक इस मूवी की ना ही आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानब से कोई भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहां पर सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने आई रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानवर से ऑब्वियसली कोई परसेंटेज नहीं मिल रही इस मूवी का जेनर क्या है तो एक्शन होगा थ्रिल होगा ड्रामा होगा इस मूवी के अंदर जो कि भरपूर अंदाज में आप लोगों को इंगेज करेगा स्टार्ट से लेकर एंड तक और काफी अच्छे से ये सारा कुछ आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया गया है अगर मैं बात करूं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों के सामने आई रेटिंग के बाद और यहां पर इस मूवी की डायरेक्ट को तो कोटाला सिवा ने हैंडल किया ही है लेकिन क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी है, या नहीं? तो हाँ, जैसी दी है। मिर्ची, भरत वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं जो कि काफी अच्छी मूवीज हैं एंड आप लोग इन मूवीज को एक एक चांस दे सकते हैं इस मूवी का बजट है जी 200 करोड़ का जो कि एक डिसेंट सा बजट है एंड इस मूवी के जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो आई थिंक ये हंड्रेड क्या थाउजेंड करोड़ ईजीली कर ही लेगी डायरेक्शन तो कोटाला सिवा ने हैंडल की ही है लेकिन उसी के साथ स्टोरी लाइन भी कोटाला सिवा ने ही हैंडल की है प्रोड्यूसर्स की अगर मैं बात करूँ तो सुधाकर मकिल नैनी और उसी के साथ साथ कौसा राजू जो है वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे उसी के साथ नंदमुरी कल्याण राम भी आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिल जाते हैं हैंटोग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो ये मूवी जो है वो सिनेमाटोग्राफी को संभाल संभाली है इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को आर रत्न वैल्यू ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से पहले भी मूवीज़ की सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया एंड इस मूवी की भी को हैंडल किया है एडिटिंग की बात करें तो ए श्रीकर प्रसाद इस मूवी की एडिटिंग को हैंडल करने वाले हैं जिन्होंने काफी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की एडिटिंग को हैंडल किया है म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो अनिरुद्ध रविचंद्र इस मूवी मुझी के म्यूजिक डायरेक्टर हैं प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को युवा सुधा आर्ट्स और एन टी आर आर्ट्स देखने को मिलेंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स में सितारा एंटरटेनमेंट और धर्मा प्रोडक्शंस डबल ए फिल्म देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे से यहां पर आप लोगों के सामने ये सारा कुछ प्रेजेंट किया है बाकी ये मूवी तेलुगु जुबान की मूवी होने वाली है जिसे पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया जाएगा और इस मूवी को ट्वेंटी ऑफ सितंबर टू में रिलीज कर दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स के अंदर अवेलेबल होगी और कहीं पर भी ये मूवी अवेलेबल नहीं की वेल well, तो जी जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोटाला सिवा एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिनकी हमेशा से मूवीज़ ब्लॉकबस्टर रही हैं उन्होंने जितनी भी मूवीज़ दी हैं वो सारी की सारी ब्लॉकबस्टर रही हैं एंड अगर आप लोग भी इनकी मूवीज़ को देखते आ रहे हैं इनको फॉलो करते आ रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि इनका लेवल क्या है तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ इन्हीं की एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को डेफिनेटली देखनी चाहिए अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ और ऐसी सीरीज़ वग़ैरह देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर एक्शन हो ड्रामा हो और एक अलग सा कंसेप्ट हो तो हाँ आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोगों के सामने यहाँ पर मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ साल 2024 में आने वाली अपकमिंग मूवी यहां पर देवरा के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की होने वाली है कहां पर रिलीज़ की जाएगी किस लैंग्वेज में रिलीज़ की जाएगी और अभी फाइनली हम इस मूवी को देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली कहाँ पर रिलीज़ होगी किस लैंग्वेज में रिलीज़ होगी और स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल होगी या नहीं डायरेक्ट में कहीं पर देखने को मिलेगी ओ टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी कहाँ पर देखने को मिलेगी इन चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं देवरा के बारे में तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को एंड बात करते हैं देवरा के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जूनियर एन ये साउथ के ऐसे एक्टर हैं जो बहुत अरसा बाद मूवी देते हैं मीन्स एक साल बाद दो साल बाद हमें मूवी देते हैं और अक्षय भाई की तरह नहीं करते कि एक साल में चार चार मूवीज़ आ रही हैं नहीं एक साल दो साल बाद हमें ये मूवी देते हैं एंड एक क्वालिटी कंटेंट हमें प्रोवाइड करते हैं एंड यही चीज़ इस मूवी को लेकर भी हुई है जी हाँ यहाँ पर क्वालिटी कंटेंट है क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी हमारे सामने प्रेजेंट होने वाली है अगर आप लोगों ने इसके ट्रेलर और टीज़र वगैरह को देखा होगा देन आप लोगों को बिल्कुल कंफर्म हो चुका होगा कि ये मूवी किस तरह से अच्छी है या नहीं और आप लोगों का टाइम भी डिजर्व करती है या नहीं इस चीज के बारे में आप लोग ऑब्वियसली अभी तक जान चुके होंगे अगर आप लोगों ने इस मूवी को फॉलो किया होगा इस सीरीज को फॉलो किया होगा और देवरा के रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की हो तो तो यहाँ पर जूनियर एन आप लोगों को कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं सैफ अली खान देखने को मिलेंगे जानवी कपूर देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ आप लोगों को प्रकाश राज देखने को मिलेंगे श्रीकांत देखने को मिलेंगे और ये सारे के सारे एक्टर्स आप लोगों को आज की जो है वो इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं यहाँ पर इस मूवी के जेनर पर कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को मिल जाता है थ्रिल देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है एक्शन देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे से प्रजेंट किया गया है और आई थिंक आप लोगों को इस मूवी को एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी यहां पर हम लोग बात करें कि क्या इस मूवी की आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं क्योंकि आई रेटिंग जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग को अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया क्योंकि अभी इसकी रिलीज़ डेट को कंफर्म किया गया है और इसे जो है वो अभी रिलीज़ नहीं किया गया सो दैट्स वाई इसकी आई रेटिंग को भी स्टार्ट नहीं किया गया जैसे ही इस मूवी को रिलीज़ किया जाएगा तभी इसकी आई रेटिंग भी स्टार्ट कर दी जाएगी और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी लेकिन अभी तक इस मूवी की ना ही आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानब से कोई भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहां पर सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने आई रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानव से ऑब्वियसली कोई परसेंटेज नहीं मिल रही इस मूवी का जेनर क्या है तो एक्शन होगा थ्रिल होगा ड्रामा होगा इस मूवी के अंदर जो कि भरपूर अंदाज में आप लोगों को एंगेज करेगा स्टार्ट से लेकर एंड तक और काफी अच्छे से ये सारा कुछ आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया गया है अगर मैं बात करूं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों के सामने आई रेटिंग के बाद और यहां पर इस मूवी की डायरेक्ट को तो कोटाला सिवा ने हैंडल किया ही है लेकिन क्या इन्होंने पास्ट में सामने प्रेजेंट की हैं जो कि काफी अच्छी मूवीज हैं एंड आप लोग इन मूवीज को एक एक चांस दे सकते हैं इस मूवी का बजट है जी दो करोड़ का जो कि एक डिसेंट सा बजट है एंड इस मूवी के जो एक्सपेक्टेशन हैं वो आई थिंक ये हंड्रेड क्या थाउजेंड करोड़ इजीडी कर ही लेगी डायरेक्शन तो कोटाला सिवा ने हैंडल की ही है लेकिन उसी के साथ स्टोरी लाइन भी कोटाला सिवा ने ही हैंडल की है प्रोड्यूसर्स की अगर मैं बात करूँ तो सुधाकर मकिल नैनी और उसी के साथ साथ कोसा राजू जो है वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे उसी के साथ नंदमुरी कल्याण राम भी आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिल जाते हैं सिनेमाटोग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो ये मूवी जो है वो सिनेमाटोग्राफी को संभाल संभाली है इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को आर रत्ना वैल्यू ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से पहले भी मूवीज़ की सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया एंड इस मूवी की भी सिनेमा टोग्राफी को हैंडल किया है एडिटिंग की बात करें तो ए श्रीकर प्रसाद इस मूवी की एडिटिंग को हैंडल करने वाले हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की एडिटिंग को हैंडल किया है म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो अनिरुद्ध रविचंद्र इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर हैं प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को युवा सुधा आर्ट्स और एन टी आर आर्ट्स देखने को मिलेंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स में सितारा एंटरटेनमेंट्स और धर्मा प्रोडक्शंस डबल ए फिल्म्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे से यहां पर आप लोगों के सामने ये सारा कुछ प्रेजेंट किया है बाकी ये मूवी तेलुगु जुबान की मूवी होने वाली है जिसे पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया जाएगा और इस मूवी को ट्वेंटी ऑफ सेप्टेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में रिलीज कर दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ थियेटर्स के अंदर अवेलेबल होगी और कहीं पर भी ये मूवी अवेलेबल नहीं की जाएगी वेल तो जी जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोटाला सिवा एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिनकी हमेशा से मूवीज़ ब्लॉकबस्टर रही हैं उन्होंने जितनी भी मूवीज़ दी हैं वो सारी की सारी ब्लॉकबस्टर रही हैं एंड अगर आप लोग भी इनकी मूवीज़ को देखते आ रहे हैं इनको फॉलो करते आ रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि इनका लेवल क्या है तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ इन्हीं की एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को डेफिनेटली देखनी चाहिए अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ और ऐसी सीरीज़ वगैरह देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर एक्शन हो ड्रामा हो और एक अलग सा कंसेप्ट हो तो हाँ आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोगों के सामने यहाँ पर मैं प्रजेंट करने वाला हूँ साल 2024 में आने वाली अपकमिंग मूवी यहां पर देवरा के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की होने वाली है कहां पर रिलीज़ की जाएगी किस लैंग्वेज में रिलीज़ की जाएगी और अभी फाइनली हम इस मूवी को देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि यह मूवी बेसिकली कहाँ पर रिलीज़ होगी किस लैंग्वेज में रिलीज़ होगी और स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल होगी या नहीं डायरेक्ट हमें कहीं पर देखने को मिलेगी ओ uh, टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी कहाँ पर देखने को मिलेगी इन चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं देवरा के बारे में तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं देवरा के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जूनियर एन ये साउथ के ऐसे एक्टर हैं जो बहुत अरसा बाद मूवी देते हैं मीन्स एक साल बाद दो साल बाद हमें मूवी देते हैं और अक्षय भाई की तरह नहीं करते कि एक साल में चार चार मूवीज़ आ रही हैं नहीं एक साल दो साल बाद हमें ये मूवी देते हैं एंड एक क्वालिटी कंटेंट हमें प्रोवाइड करते हैं एंड यही चीज़ इस मूवी को लेकर भी हुई है जी हाँ यहाँ पर क्वालिटी कॉन्टेंट है क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी हमारे सामने प्रजेंट होने वाली है अगर आप लोगों ने इसके ट्रेलर और टीज़र वगैरह को देखा होगा देन आप लोगों को बिल्कुल कन्फर्म हो चुका होगा कि ये मूवी किस तरह से अच्छी है या नहीं और आप लोगों का टाइम भी डिजर्व करती है या नहीं इस चीज़ के बारे में आप लोग ऑब्वियसली अभी तक जान चुके होंगे अगर आप लोगों ने ए, इस मूवी को फॉलो किया होगा इस सीरीज़ को फॉलो किया होगा और देवरा के रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की हो तो तो यहाँ पर जूनियर एन आप लोगों को कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं सैफ अली खान देखने को मिलेंगे जानवी कपूर देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ आप लोगों को प्रकाश राज देखने को मिलेंगे श्रीकांत देखने को मिलेंगे और ये सारे के सारे एक्टर्स आप लोगों को आज की जो है वो इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं यहाँ पर इस मूवी के जेनर पर कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को मिल जाता है थ्रिल देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है एक्शन देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे से प्रजेंट किया गया है और आई थिंक आप लोगों को इस मूवी को एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक चांस दें तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बाकी यहां पर हम लोग बात करें कि क्या इस मूवी की आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं क्योंकि आई रेटिंग जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग को अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया क्योंकि अभी इसकी रिलीज़ डेट को कंफर्म किया गया है और इसे जो है वो अभी रिलीज़ नहीं किया गया सो दैट्स वाई इसकी आई रेटिंग को भी स्टार्ट नहीं किया गया जैसे ही इस मूवी को रिलीज़ किया जाएगा तभी इसकी आई रेटिंग भी स्टार्ट कर दी जाएगी और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी लेकिन अभी तक इस मूवी की ना ही आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानब से कोई भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहां पर सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने आई रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानव से ऑब्वियसली कोई परसेंटेज नहीं मिल रही इस मूवी का जेनर क्या है तो एक्शन होगा थ्रिल होगा ड्रामा होगा इस मूवी के अंदर जो कि भरपूर अंदाज में आप लोगों को इंगेज करेगा स्टार्ट से लेकर एंड तक और काफी अच्छे से ये सारा कुछ आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया गया है अगर मैं बात करूं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों के सामने आई रेटिंग के बाद और यहां पर इस मूवी की डायरेक्ट को तो कोटाला शिवा ने हैंडल किया ही है लेकिन क्या इन्होंने पास्ट आचार्य तो हाँ, जैसी प्रेजेंट की हैं जो कि काफी अच्छी मूवीज हैं एंड आप लोग इन मूवीज को एक एक चांस दे सकते हैं इस मूवी का बजट है जी दो करोड़ का जो कि एक डिसेंट सा बजट है एंड इस मूवी के जो एक्सपेक्टेशन हैं वो आई थिंक ये हंड्रेड क्या थाजीडियो कर ही लेगी डायरेक्शन तो कोटाला सिवा ने हैंडल की ही है लेकिन उसी के साथ स्टोरी लाइन भी कोटाला सिवा ने ही हैंडल की है प्रोड्यूसर्स की अगर मैं बात करूं तो सुधाकर मकिल नैनी और उसी के साथ साथ कौसा राजू जो है वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे उसी के साथ नंदमुरी कल्याण राम भी आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिल जाते हैं सिनेमाटोग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो ये मूवी जो है वो सिनेमाटोग्राफी को संभाल ली है इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को आर रत्न वैल्यू ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से पहले भी मूवीज़ की सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया एंड इस मूवी की भी फी को हैंडल किया है एडिटिंग की बात करें तो ए श्रीकर प्रसाद इस मूवी की एडिटिंग को हैंडल करने वाले हैं जिन्होंने काफी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की एडिटिंग को हैंडल किया है म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो अनिरुद्ध रविचंद्र इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर हैं प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को युवा सुधा आर्ट्स और एन टी आर आर्ट्स देखने को मिलेंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स में सितारा एंटरटेनमेंट्स और धर्मा प्रोडक्शंस डबल ए फिल्म देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे से यहां पर आप लोगों के सामने ये सारा कुछ प्रेजेंट किया है यह मूवी तेलुगु जुबान की मूवी होने वाली है जिसे पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया जाएगा और इस मूवी को ट्वेंटी सेवन सितंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में रिलीज कर दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स के अंदर अवेलेबल होगी और कहीं पर भी यह मूवी अवेलेबल नहीं की जाएगी वेल तो जी जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोटाला सिवा एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिनकी हमेशा से मूवीज़ ब्लॉकबस्टर रही हैं उन्होंने जितनी भी मूवीज़ दी हैं वो सारी की सारी ब्लॉकबस्टर रही हैं एंड अगर आप लोग भी इनकी मूवीज़ को देखते आ रहे हैं इनको फॉलो करते आ रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि इनका लेवल क्या है तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ इन्हीं की एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को डेफिनेटली देखनी चाहिए अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ और ऐसी सीरीज वगैरह देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर एक्शन हो ड्रामा हो और एक अलग सा कंसेप्ट हो तो हाँ आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोगों के सामने यहाँ पर मैं प्रजेंट करने वाला हूं साल 2024 में आने वाली अपकमिंग मूवी यहां पर देवरा के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की होने वाली है कहां पर रिलीज़ की जाएगी किस लैंग्वेज में रिलीज़ की जाएगी और अभी फाइनली हम इस मूवी को देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली कहाँ पर रिलीज़ होगी किस लैंग्वेज में रिलीज़ होगी और स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल होगी या नहीं डायरेक्ट कहीं पर देखने को मिलेगी ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी कहाँ पर देखने को मिलेगी इन चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं देवरा के बारे में तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं देवरा के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जूनियर एन टी आर ये साउथ के ऐसे एक्टर हैं जो बहुत अरसा बाद मूवी देते हैं मीन्स एक साल बाद दो साल बाद हमें मूवी देते हैं और अक्षय भाई की तरह नहीं करते कि एक साल में चार चार मूवीज़ आ रही हैं नहीं एक साल दो साल बाद हमें ये मूवी देते हैं एंड एक क्वालिटी कंटेंट हमें प्रोवाइड करते हैं एंड यही चीज़ इस मूवी को लेकर भी हुई है जी हाँ यहाँ पर क्वालिटी कॉन्टेंट है क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी हमारे सामने प्रजेंट होने वाली है अगर आप लोगों ने इसके ट्रेलर और टीज़र वगैरह को देखा होगा दैन आप लोगों को बिल्कुल कंफर्म हो चुका होगा कि ये मूवी किस तरह से अच्छी है या नहीं और आप लोगों का टाइम भी डिजर्व करती है या नहीं इस चीज़ के बारे में आप लोग ऑब्वियसली अभी तक जान चुके होंगे अगर आप लोगों ने इस मूवी को फॉलो किया होगा इस सीरीज़ को फॉलो किया होगा और देवरा के रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की हो तो तो यहाँ पर जूनियर एन आप लोगों को कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं सैफ अली खान देखने को मिलेंगे जाह्नवी कपूर देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ आप लोगों को प्रकाश राज देखने को मिलेंगे श्रीकांत देखने को मिलेंगे और ये सारे के सारे एक्टर्स आप लोगों को आज की जो है वो इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं यहाँ पर इस मूवी के जेनर पर कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को मिल जाता है थ्रिल देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है एक्शन देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे से प्रजेंट किया गया है और आई थिंक आप लोगों को इस मूवी को एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक चांस दें तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बाकी यहां पर हम लोग बात करें कि क्या इस मूवी की आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं क्योंकि आईएमडीबी रेटिंग जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग को अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया क्योंकि अभी इसकी रिलीज़ डेट को कन्फर्म किया गया है और इसे जो है वो अभी रिलीज़ नहीं किया गया सो दैट्स वाई इसकी आई रेटिंग को भी स्टार्ट नहीं किया गया जैसे इस मूवी को रिलीज़ किया जाएगा तभी इसकी आई रेटिंग भी स्टार्ट कर दी जाएगी और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी लेकिन अभी तक इस मूवी की ना ही आईएमडीबी रेटिंग को स्टार्ट किया गया है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानब से कोई भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है बाकी यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहां पर सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने आई रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानव से ऑब्वियसली कोई परसेंटेज नहीं मिल रही इस मूवी का जेनर क्या है तो एक्शन होगा थ्रिल होगा ड्रामा होगा इस मूवी के अंदर जो कि भरपूर अंदाज में आप लोगों को इंगेज करेगा स्टार्ट से लेकर एंड तक और काफी अच्छे से ये सारा कुछ आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया गया है अगर मैं बात करूं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों के सामने आई रेटिंग के बाद और यहां पर इस मूवी की डायरेक्शन को तो कोटाला शिवा ने हैंडल किया ही है लेकिन क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी है आचार्य तो जैसी दी है, मिर्ची, जिसे हैं, भी बोला जाता है प्रेजेंट की हैं जो कि काफी अच्छी मूवीज हैं एंड आप लोग इन मूवीज को एक एक चांस दे सकते हैं इस मूवी का बजट है जी दो करोड़ का जो कि एक डिसेंट सा बजट है एंड इस मूवी के जो एक्सपेक्टेशन है वो आई थिंक ये हंड्रेड क्या थाउजेंड करोड़ इजिली कर ही लेगी डायरेक्शन तो कोटाला सिवा ने हैंडल की ही है लेकिन उसी के साथ स्टोरी लाइन भी कोटाला सिवा ने ही हैंडल की है प्रोड्यूसर्स की अगर मैं बात करूं तो सुधाकर मकिल नैनी और उसी के साथ साथ कौसा राजू जो है वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे उसी के साथ नंदमुरी कल्याण राम भी आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिल जाते हैं सिनेमाटोग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो ये मूवी जो है वो सिनेमाटोग्राफी को संभाल ली है इस मूवी की सिनेटोग्राफी को आर रत्न वैल्यू ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से पहले भी मूवीज़ की सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया एंड इस मूवी की भी टोग्राफी को हैंडल किया है एडिटिंग की बात करें तो ए श्रीकर प्रसाद इस मूवी की एडिटिंग को हैंडल करने वाले हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की एडिटिंग को हैंडल किया है म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो अनिरुद्ध रविचंद्र इस मूवी मुझी के म्यूजिक डायरेक्टर हैं प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को युवा सुधा आर्ट्स और एनटीआर आर्ट्स देखने को मिलेंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स में सितारा एंटरटेनमेंट्स और धर्मा प्रोडक्शंस डबल ए फिल्म देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे से यहां पर आप लोगों के सामने ये सारा कुछ प्रेजेंट किया है कि ये मूवी तेलुगु जुबान की मूवी होने वाली है जिसे पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया जाएगा और इस मूवी को ट्वेंटी ऑफ सेप्टेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में रिलीज कर दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स के अंदर अवेलेबल होगी और कहीं पर भी ये मूवी अवेलेबल नहीं की जाए वेल well, तो जी जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोटाला सिवा एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिनकी हमेशा से मूवीज़ ब्लॉकबस्टर रही हैं उन्होंने जितनी भी मूवीज़ दी हैं वो सारी की सारी ब्लॉकबस्टर रही हैं एंड अगर आप लोग भी इनकी मूवीज़ को देखते आ रहे हैं इनको फॉलो करते आ रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि इनका लेवल क्या है तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ इन्हीं की एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को डेफिनेटली देखनी चाहिए अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ और ऐसी सीरीज़ वगैरह देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर एक्शन हो ड्रामा हो और एक अलग सा कंसेप्ट हो तो हाँ आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोगों के सामने यहाँ पर मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ साल 2024 में आने वाली अपकमिंग मूवी यहां पर देवरा के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की होने वाली है कहां पर रिलीज़ की जाएगी किस लैंग्वेज में रिलीज़ की जाएगी और अभी फाइनली हम इस मूवी को देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली कहाँ पर रिलीज़ होगी किस लैंग्वेज में रिलीज़ होगी और स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल होगी या नहीं डायरेक्ट हम में कहीं पर देखने को मिलेगी ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी कहाँ पर देखने को मिलेगी इन चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग बा, बात करने वाले हैं तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं देवरा के बारे में तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं देवरा के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जूनियर एन ये साउथ के ऐसे एक्टर हैं जो बहुत अरसा बाद मूवी देते हैं मीन्स एक साल बाद दो साल बाद हमें मूवी देते हैं और अक्षय भाई की तरह नहीं करते कि एक साल में चार चार मूवीज़ आ रही हैं नहीं एक साल दो साल बाद हमें ये मूवी देते हैं एंड एक क्वालिटी कंटेंट हमें प्रोवाइड करते हैं एंड यही चीज़ इस मूवी को लेकर भी हुई है जी हाँ यहाँ पर क्वालिटी कॉन्टेंट है क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी हमारे सामने प्रजेंट होने वाली है अगर आप लोगों ने इसके ट्रेलर और टीज़र वगैरह को देखा होगा दैन आप लोगों को बिल्कुल कंफर्म हो चुका होगा कि ये मूवी किस तरह से अच्छी है या नहीं और आप लोगों का टाइम भी डिजर्व करती है या नहीं इस चीज़ के बारे में आप लोग ऑब्वियसली अभी तक जान चुके होंगे अगर आप लोगों ने इस मूवी को फॉलो किया होगा इस सीरीज को फॉलो किया होगा और देवरा के रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की हो तो तो यहाँ पर जूनियर एन आप लोगों को कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं सैफ अली खान देखने को मिलेंगे जानवी कपूर देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ आप लोगों को प्रकाश राज देखने को मिलेंगे श्रीकांत देखने को मिलेंगे और ये सारे के सारे एक्टर्स आप लोगों को आज की जो है वो इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं यहाँ पर इस मूवी के जेनर पर कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को मिल जाता है थ्रिल देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है एक्शन देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे से प्रजेंट किया गया है और आई थिंक आप लोगों को इस मूवी को एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक चांस दें तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बाकी यहां पर हम लोग बात करें कि क्या इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं क्योंकि आई रेटिंग जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग को अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया क्योंकि अभी इसकी रिलीज़ डेट को कंफर्म किया गया है और इसे जो है वो अभी रिलीज़ नहीं किया गया सो दैट्स वाई इसकी आईएमडीबी रेटिंग को भी स्टार्ट नहीं किया गया जैसे इस मूवी को रिलीज़ किया जाएगा तभी इसकी आई रेटिंग भी स्टार्ट कर दी जाएगी और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी लेकिन अभी तक इस मूवी की ना ही आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानब से कोई भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहां पर सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने आई रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानव से कोई परसेंटेज नहीं मिल रही इस मूवी का जेनर क्या है तो एक्शन होगा थ्रिल होगा ड्रामा होगा इस मूवी के अंदर जो कि भरपूर अंदाज में आप लोगों को इंगेज करेगा स्टार्ट से लेकर एंड तक और काफी अच्छे से ये सारा कुछ आप लोगों के सामने प्रजेंट भी किया गया है अगर मैं बात करूं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों के सामने आई रेटिंग के बाद और यहां पर इस मूवी की डायरेक्शन को तो कोटाला सिवा ने हैंडल किया ही है लेकिन क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं या नहीं तो है हाँ, आचार्य जैसी मूवीज दी है मिर्ची भारत जिसे डैशिंग भारत सीएम भी बोला जाता है जनता के राज श्री इस तरह की मूवीज जो है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं जो कि काफी अच्छी मूवीज हैं एंड आप लोग इन मूवीज को एक एक चांस दे सकते हैं इस मूवी का बजट है दो सौ करोड़ का जो कि एक डिसेंट सा बजट है एंड इस मूवी के जो एक्सपेक्टेशन है वो आई थिंक ये हंड्रेड क्या थाउजेंड करोड़ इजिली कर ही लेगी डायरेक्शन तो कोटाला सिवा ने हैंडल की ही है लेकिन उसी के साथ स्टोरी लाइन भी कोटाला सिवा ने ही हैंडल की है प्रोड्यूसर्स की अगर मैं बात करूं तो सुधाकर मकिल नैनी और उसी के साथ साथ कौसा राजू जो है वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे उसी के साथ नंदमुरी कल्याण राम भी आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिल जाते हैं सिनेमाटोग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो ये मूवी जो है वो सिनेमाटोग्राफी को संभाली है इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को आर रत्न वैल्यू ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से पहले भी मूवीज़ की सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया एंड इस मूवी की भी मेटोग्राफी को हैंडल किया है एडिटिंग की बात करें तो ए श्रीकर प्रसाद इस मूवी की एडिटिंग को हैंडल करने वाले हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की एडिटिंग को हैंडल किया है म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो अनिरुद्ध रविचंद्र इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर हैं प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को युवा सुधा आर्ट्स और एनटीआर आर्ट्स देखने को मिलेंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स में सितारा इंटरटेनमेंट्स और धर्मा प्रोडक्शंस डबल ए फिल्म्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे से यहां पर आप लोगों के सामने ये सारा कुछ प्रेजेंट किया है बाकी ये मूवी तेलुगु जुबान की मूवी होने वाली है जिसे पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ किया जाएगा और इस मूवी को ट्वेंटी ऑफ सितंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में रिलीज़ कर दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स के अंदर अवेलेबल होगी और कहीं पर भी ये मूवी अवेलेबल नहीं की जाएगी वेल well, तो जी जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोटाला सिवा एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिनकी हमेशा से मूवीज़ ब्लॉकबस्टर रही हैं उन्होंने जितनी भी मूवीज़ दी हैं वो सारी की सारी ब्लॉकबस्टर रही हैं एंड अगर आप लोग भी इनकी मूवीज़ को देखते आ रहे हैं इनको फॉलो करते आ रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि इनका लेवल क्या है तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ इन्हीं की एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को डेफिनेटली देखनी चाहिए अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ और ऐसी सीरीज़ वग़ैरह देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर एक्शन हो ड्रामा हो और एक अलग सा कंसेप्ट हो तो हाँ आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोगों के सामने यहाँ पर मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ साल 2024 में आने वाली अपकमिंग मूवी यहां पर देवरा के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की होने वाली है कहां पर रिलीज़ की जाएगी किस लैंग्वेज में रिलीज़ की जाएगी और अभी फाइनली हम इस मूवी को देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली कहाँ पर रिलीज़ होगी किस लैंग्वेज में रिलीज़ होगी और स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल होगी या नहीं डायरेक्ट में कहीं पर, पर देखने को मिलेगी ओ टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी कहाँ पर देखने को मिलेगी इन चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं देवरा के बारे में तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को एंड बात करते हैं देवरा के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जूनियर एन ये साउथ के ऐसे एक्टर हैं जो बहुत अरसा बाद मूवी देते हैं मीन्स एक साल बाद दो साल बाद हमें मूवी देते हैं और अक्षय भाई की तरह नहीं करते कि एक साल में चार चार मूवीज़ आ रही हैं नहीं एक साल दो साल बाद हमें ये मूवी देते हैं एंड एक क्वालिटी कंटेंट हमें प्रोवाइड करते हैं एंड यही चीज़ इस मूवी को लेकर भी हुई है जी हाँ यहाँ पर क्वालिटी कॉन्टेंट है क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी हमारे सामने प्रजेंट होने वाली है अगर आप लोगों ने इसके ट्रेलर और टीज़र वगैरह को देखा होगा देन आप लोगों को बिल्कुल कंफर्म हो चुका होगा कि ये मूवी किस तरह से अच्छी है या नहीं और आप लोगों का टाइम भी डिजर्व करती है या नहीं इस चीज़ के बारे में आप लोग ऑब्वियसली अभी तक जान चुके होंगे अगर आप लोगों ने इस मूवी को फॉलो किया होगा इस सीरीज़ को फॉलो किया होगा और देवरा के रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की हो तो तो यहाँ पर जूनियर एन आप लोगों को कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं सैफ अली खान देखने को मिलेंगे जाह्नवी कपूर देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ आप लोगों को प्रकाश राज देखने को मिलेंगे श्रीकांत देखने देखने को मिलेंगे और ये सारे के सारे एक्टर्स आप लोगों को आज की जो है वो इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं यहाँ पर इस मूवी के जेनर पर कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को मिल जाता है थ्रिल देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है एक्शन देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे से प्रजेंट किया गया है और आई थिंक आप लोगों को इस मूवी को एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक चांस तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बाकी यहां पर हम लोग बात करें कि क्या इस मूवी की आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं क्योंकि आई रेटिंग जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग को अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया क्योंकि अभी इसकी रिलीज़ डेट को कंफर्म किया गया है और इसे जो है वो अभी रिलीज़ नहीं किया गया सो दैट्स वाई इसकी आईएमडीबी रेटिंग को भी स्टार्ट नहीं किया गया जैसे ही इस मूवी को रिलीज़ किया जाएगा तभी इसकी आई रेटिंग भी स्टार्ट कर दी जाएगी और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी लेकिन अभी तक इस मूवी की ना ही आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानब से कोई भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहां पर सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने आई रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की से कोई परसेंटेज नहीं मिल रही इस मूवी का जेनर क्या है तो एक्शन होगा थ्रिल होगा ड्रामा होगा इस मूवी के अंदर जो कि भरपूर अंदाज में आप लोगों को इंगेज करेगा स्टार्ट से लेकर एंड तक और काफी अच्छे से ये सारा कुछ आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया गया है अगर मैं बात करूं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों के सामने आई रेटिंग के बाद और यहां पर इस मूवी की डायरेक्ट को तो कोटाला सिवा ने हैंडल किया ही है लेकिन क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी हैं तो हाँ, है, है, है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है जो कि काफी अच्छी मूवीज हैं एंड आप लोग इन मूवीज को एक एक चांस दे सकते हैं इस मूवी का बजट है दो करोड़ का जो कि एक सा बजट है एंड इस मूवी के जो एक्सपेक्टेशन है वो आई थिंक ये हंड्रेड क्या थाउजेंड करोड़ इजिली कर ही लेगी डायरेक्शन तो कोटाला सिवा ने हैंडल की ही है लेकिन उसी के साथ स्टोरी लाइन भी कोटाला सिवा ने ही हैंडल की है प्रोड्यूसर्स की अगर मैं बात करूं तो सुधाकर मकिल नैनी और उसी के साथ साथ कोसा राजू जो है वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे उसी के साथ नंदमुरी कल्याण राम भी आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिल जाते हैं सिनेमाटोग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो ये मूवी जो है वो सिनेमाटोग्राफी को संभाल ली है इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को आर रत्न वैल्यू ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से पहले भी मूवीज़ की सीनेमाटोग्राफी को हैंडल किया एंड इस मूवी की भी फी को हैंडल किया है एडिटिंग की बात करें तो ए श्रीकर प्रसाद इस मूवी की एडिटिंग को हैंडल करने वाले हैं जिन्होंने काफी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की एडिटिंग को हैंडल किया है म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो अनिरुद्ध रविचंद्र इस मूवी मुझी के म्यूजिक डायरेक्टर हैं प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को युवा सुधा आर्ट्स और एनटीआर आर्ट्स देखने को मिलेंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स में सितारा एंटरटेनमेंट्स और धर्मा प्रोडक्शंस डबल ए फिल्म देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे से यहां पर आप लोगों के सामने ये सारा कुछ प्रेजेंट किया है बाकी ये मूवी तेलुगु जुबान की मूवी होने वाली है जिसे पैन इंडिया लेवल पर रिलीज़ किया जाएगा और इस मूवी को ट्वेंटी सेवन्थ ऑफ सेप्टेम्बर टू में रिलीज कर दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स के अंदर अवेलेबल होगी और कहीं पर भी ये मूवी अवेलेबल नहीं की जाएगी वेल well, तो जी जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोटाला सिवा एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिनकी हमेशा से मूवीज़ ब्लॉकबस्टर रही हैं उन्होंने जितनी भी मूवीज़ दी हैं वो सारी की सारी ब्लॉकबस्टर रही हैं एंड अगर आप लोग भी इनकी मूवीज़ को देखते आ रहे हैं इनको फॉलो करते आ रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि इनका लेवल क्या है तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रज़ेंट करने वाला हूँ इन्हीं की एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को डेफिनेटली देखनी चाहिए अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ और ऐसी सीरीज़ वग़ैरह देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर एक्शन हो ड्रामा हो और एक अलग सा कंसेप्ट हो तो हाँ आप लोगों को भी इस मूवी को एक चांस देना चाहिए आप लोगों के सामने यहाँ पर मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ साल 2024 में आने वाली अपकमिंग मूवी यहां पर देवरा के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की होने वाली है कहां पर रिलीज़ की जाएगी किस लैंग्वेज में रिलीज़ की जाएगी और अभी फाइनली हम इस मूवी को देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली कहाँ पर रिलीज़ होगी किस लैंग्वेज में रिलीज़ होगी और स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल होगी या नहीं डायरेक्ट में कहीं पर देखने को मिलेगी ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी कहाँ पर देखने को मिलेगी इन चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं देवरा के बारे में तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को एंड बात करते हैं देवरा के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जूनियर एन ये साउथ के ऐसे एक्टर हैं जो बहुत अरसा बाद मूवी देते हैं मीन्स एक साल बाद दो साल बाद हमें मूवी देते हैं और अक्षय भाई की तरह नहीं करते कि एक साल में चार चार मूवीज़ आ रही हैं नहीं एक साल दो साल बाद हमें ये मूवी देते हैं एंड एक क्वालिटी कंटेंट हमें प्रोवाइड करते हैं एंड यही चीज़ इस मूवी को लेकर भी हुई है जी हाँ यहाँ पर क्वालिटी कॉन्टेंट है क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी हमारे सामने प्रजेंट होने वाली है अगर आप लोगों ने इसके ट्रेलर और टीज़र वगैरह को देखा होगा देन आप लोगों को बिल्कुल कंफर्म तो हो चुका होगा कि ये मूवी किस तरह से अच्छी है या नहीं और आप लोगों का टाइम भी डिजर्व करती है या नहीं इस चीज़ के बारे में आप लोग ऑब्वियसली अभी तक जान चुके होंगे अगर आप लोगों ने इस मूवी को फॉलो किया होगा इस सीरीज को फॉलो किया होगा और देवरा के रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की हो तो तो यहाँ पर जूनियर एन आप लोगों को कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं सैफ अली खान देखने को मिलेंगे जानवी कपूर देखने को मिलेंगे उसी के साथ साथ आप लोगों को प्रकाश राज देखने को मिलेंगे श्रीकांत देखने को मिलेंगे और ये सारे के सारे एक्टर्स आप लोगों को आज की जो है वो इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं यहाँ पर इस मूवी के जेनर पर कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को मिल जाता है थ्रिल देखने को मिलता है ड्रामा देखने को मिलता है एक्शन देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे से प्रजेंट किया गया है और आई थिंक आप लोगों को इस मूवी को एक चांस भी देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बाकी यहां पर हम लोग बात करें कि क्या इस मूवी की आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है या नहीं क्योंकि आई रेटिंग जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग को अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया क्योंकि अभी इसकी रिलीज़ डेट को कंफर्म किया गया है और इसे जो है वो अभी रिलीज़ नहीं किया गया सो दैट्स वाई इसकी आई रेटिंग को भी स्टार्ट नहीं किया गया जैसे ही इस मूवी को रिलीज़ किया जाएगा तभी इसकी आई रेटिंग भी स्टार्ट कर दी जाएगी और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी लेकिन अभी तक इस मूवी की ना ही आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है और ना ही इसे गूगल के यूज़र्स की जानब से कोई भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है बाकी यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी की यहां पर सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने आई रेटिंग क्या है और इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानवर से ऑब्वियसली परसेंटेज नहीं मिल रही इस मूवी का जेनर क्या है तो एक्शन होगा थ्रिल होगा ड्रामा होगा इस मूवी के अंदर जो कि भरपूर अंदाज में आप लोगों को इंगेज करेगा स्टार्ट से लेकर एंड तक और काफी अच्छे से ये सारा कुछ आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी किया गया है अगर मैं बात करूं कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों के सामने आई रेटिंग के बाद और यहां पर इस मूवी की डायरेक्ट को तो कोटाला सिवा ने हैंडल किया ही है लेकिन क्या इन्होंने पास्ट में कोई मूवीज दी है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं जो कि काफी अच्छी मूवीज हैं एंड आप लोग इन मूवीज को एक एक चांस दे सकते हैं इस मूवी का बजट है जी 200 करोड़ का जो कि एक डिसेंट सा बजट है एंड इस मूवी के जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो आई थिंक ये हंड्रेड क्या थाउजेंड करोड़ ईजीली कर ही लेगी डायरेक्शन तो कोटाला सिवा ने हैंडल की ही है लेकिन उसी के साथ स्टोरी लाइन भी कोटाला सिवा ने ही हैंडल की है प्रोड्यूसर्स की अगर मैं बात करूँ तो सुधाकर मकिल नैनी और उसी के साथ साथ कौसा राजू जो है वो आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिलेंगे उसी के साथ नंदमुरी कल्याण राम भी आप लोगों को इसके प्रोड्यूसर्स में देखने को मिल जाते हैं सिनेमाटोग्राफी की अगर मैं बात करूं तो ये मूवी जो है वो सिनेमाटोग्राफी को संभाल ली है इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी को आर रत्न वैल्यू ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से पहले भी मूवीज़ की सिनेमाटोग्राफी को हैंडल किया एंड इस मूवी की भी सिनेमा टोग्राफी को हैंडल किया है एडिटिंग की बात करें तो ए श्रीकर प्रसाद इस मूवी की एडिटिंग को हैंडल करने वाले हैं जिन्होंने काफी अच्छे से यहाँ पर आप लोगों के सामने इस मूवी की एडिटिंग को हैंडल किया है म्यूजिक डायरेक्शन की बात करें तो अनिरुद्ध रविचंद्र इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर हैं प्रोडक्शन कंपनीज में आप लोगों को युवा सुधा आर्ट्स और एन टी आर आर्ट्स देखने को मिलेंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स में सितारा एंटरटेनमेंट्स और धर्मा प्रोडक्शंस डबल ए फिल्म देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत अच्छे से यहां पर आप लोगों के सामने ये सारा कुछ प्रेजेंट किया है कि ये मूवी तेलुगु जुबान की मूवी होने वाली है जिसे पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया जाएगा और इस मूवी को ट्वेंटी सेवन में रिलीज कर दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स के अंदर अवेलेबल होगी और कहीं पर भी ये मूवी अवेलेबल नहीं की